आज के इस परिसंवाद में आप सभी का साहित्य अकादमी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत के प्रख्यात विद्वान कवि आदरणीय पद्मश्री रमाकांत शुक्ल जी हमारे बीच हैं। बीच वक्तव्य देने के लिए हिंदी मलयालम संस्कृत के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी जी हमारे बीच हैं। सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय विद्याबिंदु सिंह जी, जो लोक कला विशेषज्ञ हैं और विदुषी हैं। मैं डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सत्र में जो आलेख पाठ करने के लिए हमने विद्वानों को आमंत्रित किया है, डॉक्टर पूरन सिंह टंडन जी, आप सभी परिचित हैं, डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी जी प्रख्यात विदुषी हैं, प्रोफेसर सादिक के प्रख्यात विद्वान हैं, और डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी प्रख्यात समाजसेवी जो हैं। मैं सबसे पहले अतिथियों के स्वागत के लिए अकादमी की परंपरा के अनुसार हम लोग पुस्तकें भेंट करके अतिथियों का स्वागत करते हैं। मैं साहित्य अकादमी की उप सचिव श्रीमती रेणु मोहन भान जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमाकांत शुक्ल जी को पुस्तकें भेंट कर उनका स्वागत करें। डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी का सम्मान करें। डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी जी का स्वागत करने के लिए निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत के लिए डॉक्टर के श्रीनिवास राव, जो साहित्य अकादमी के सम्मानित सचिव हैं, उन्हें होना था, लेकिन मंत्रालय के किसी कारणवश उन्हें एक मीटिंग में जाना पड़ गया, उनकी ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री रमाकांत शुक्ल जी, सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी, सम्मानित डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर पूरन सिंह टंडन जी, डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सादिक जी, श्री अशोक कुमार ज्योति जी और सभा में उपस्थित साहित्य प्रेमियों, आप सबका स्वागत करते हुए मैं बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे महान ग्रंथों में और विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति और साहित्य का बहुत ही सघन संबंध है। हमारे शरीर का जो पंच तत्वों से जो निर्मित है, वो स्वयं ही एक सृष्टि का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसीलिए प्रकृति और साहित्य का ये संबंध आप अनिवार्य रूप से देखते हैं सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में, न सिर्फ भारतीय भाषाओं के साहित्य में बल्कि विश्व की भी तमाम भाषाओं के साहित्य में ये संबंध आप देखते हैं। मित्रों, हम जितना ही प्रकृति के निकट होते हैं, प्रकृति के व्यवहार को जितना अधिक समझते हैं और प्रकृति का जो नियम है, सृष्टि का जो नियम है जिसे वेदों में ऋत कहा गया है, अगर हम उस पर ध्यान देते हैं और उसके नियम के अनुसार व्यवहार करते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं और कष्टों का निदान अपने आप हो जाता है। हम जानते हैं कि जो हमारे वेद हैं उनमें प्रकृति को ही देवता माना गया है, उसकी ही प्रार्थना की गई है और उन प्रार्थनाओं में हमारे सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के लिए मंगल कामना की गई है। ऋग्वेद के वे सूक्त हों, रामायण या महाभारत के आख्यान हों, या संस्कृत का संपूर्ण वाङ्मय और बाद का समकालीन साहित्य भी साहित्य और प्रकृति के संबंध से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ आप देखते हैं। आपको ध्यान होगा कि आदि कवि वाल्मीकि ने ये बड़ी चर्चित कथा है कि जब एक क्रौंच पक्षी को विहार करते हुए देखा और एक शिकारी के बाण से जब उसमें से एक पक्षी घायल हुआ तो उनकी करुणा करा उठी और उन्होंने पहला काव्य लिखा, जिसे हम उनके दुख, उनकी करुणा का पहला काव्य मानते हैं। और इस तरीके से प्रकृति और साहित्य का ये जो संबंध है बहुत ही भावात्मक है। साहित्य भावों का ही एक संतुलित रूप है और हम ये प्रकृति के साथ, साहित्य के साथ अनिवार्य रूप से देखते हैं। चाहे हमारे साहित्य का छायावादी युग हो हिंदी में या रीतिकालीन युग हो, इन सब में मुख्य रूप से प्रकृति को ही केंद्र बना करके रचनाएं की गई। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य प्रकृति का
साक्षी है, उसका एक अनिवार्य अंग है, उसकी इकाई है, लेकिन बदलते हुए समय में हमको बहुत सारी समस्याओं ने घेर लिया। जब हम बाजारीकरण और भूमंडलीकरण के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी समस्याएं हमने अपने आप ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, उनको बुला लिया है। और विज्ञान के हमारे बहुत सारे प्रयोग आवश्यक हैं, लेकिन उन्होंने कई प्रयोगों ने कई समस्याओं को भी जन्म दिया है। परमाणु त्रासदी हो, युद्ध हो, या ऐसे तमाम हमारे कारनामे हमको प्रकृति से दूर करते हैं। आप जानते ही हैं कि जब युद्ध में प्रकृति नहीं बचती है तो मनुष्य कहाँ से बचेगा। ऐसे समय में हमको ये आवश्यक हुआ कि हम इस विषय पर पुनः संवाद करें। मित्रों, स्वच्छता पर्यावरण से हमारा मस्तिष्क शुद्ध होता है, हमारा शरीर शुद्ध होता है, हमारा स्वस्थ मन भी स्वस्थ शरीर बनाता है, जैसा कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर एक अभियान शुरू किया, एक मिशन शुरू किया, और हम सब ने एक संकल्प लिया कि हम जब 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे होंगे तब हम इस संकल्प को पूरा कर चुके होंगे। लेकिन हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हम उस संकल्प में कितना प्राणपण से जुड़े हैं या हमसे कहाँ चूक हो रही है, इन सब पे हमें विचार करने की बार बार आवश्यकता है। आज ये कार्यक्रम इसी विषय को केंद्र में रख करके हमने आयोजित किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवि मनीषी पद्मश्री प्रोफेसर रमाकांत शुक्ल जी का हृदय से पुनः सकाय साहित्य अकादमी की ओर से स्वागत करता हूँ। हमारा लोक साहित्य, आप जानते ही हैं कि साहित्य जो हमारे लोक का साहित्य है उसमें प्रकृति महत्वपूर्ण रूप से उपस्थित है, और इसीलिए हमने आज प्रख्यात लोक कला विशेषज्ञ विदुषी आदरणीय डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी को आमंत्रित किया है कि वे हमें इस विषय पर बताएं कि लोक साहित्य में प्रकृति की क्या उपस्थिति है और उससे हम आज किस रूप में अपने को जोड़ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। मैं डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी का साहित्य अकादमी की ओर से हिंदी, मलयालम, संस्कृत और कई भाषाओं के मर्मज्ञ डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी जी को हमने बीज वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया है। सुधांशु जी का कई भाषाओं पर अधिकार है। मैं सुधांशु जी को अकादमी की ओर से बहुत ही अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्रख्यात चिंतक और साहित्यकार प्रोफेसर पूरन चंदन जी, शास्त्र मंत्री डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी जी, उर्दू के वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर सादिक जी, संस्कृत कर्मी साहित्यकार श्री अशोक कुमार ज्योति जी, और आप सभी का मैं साहित्य अकादमी की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम की आगामी कार्यवाही शुरू करूं, मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी की अनुमति से बीज वक्तव्य देने के लिए आदरणीय सुधांशु चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करूंगा। सुधांशु चतुर्वेदी जी मलयालम, हिंदी सहित कई भाषाओं के विशिष्ट विद्वान, यशस्वी लेखक और समर्पित अनुवादक हैं। हिंदी और मलयालम भाषा के बीच एक सुदृढ़ सेतु बनाने के लिए आप चर्चित हैं। हिंदी और मलयालम भाषा में आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित हैं, संस्कृत में आपकी बहुत सारी कृतियां प्रकाशित हैं, लगभग 121 कृतियां आपकी विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हैं। आपने साहित्य अकादमी के लिए भी कई कृतियों का अनुवाद किया है। 1995 में तक्षी शिवशंकर पिल्लई के उपन्यास कैयर का आपने हिंदी अनुवाद किया और उसके लिए आपको साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी की रचनाओं का अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपने देश और विदेश की अनेक संस्थाओं के आमंत्रण पर उनके सेमिनार्स में हिस्सा लिया है, उन पर व्याख्यान दिया है, कई देशों की सांस्कृतिक यात्राएं की हैं। मैं लगभग 36 महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित आदरणीय डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी जी को बीज वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। स्वागत भाषण करना है।
किया रविंद्र सिंह जी व्याख्या संस्कृत लेखक हमारे अभिन्न हृदय मित्र डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी बंधुवर जी त्रिपाठी जी सादिक जी अशोक कुमार जी और जो यहाँ पर विद्युत चंद उपस्थित हैं और समस्त भाई बहनों मेरा नमस्कार। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं 3-4 दिन से बहुत बुरी तरीके से बीमार हूँ, बुखार आ रहा है, लेकिन फिर भी राहु काल मैंने आते ही कहा था राहु का चक्र जो है वो चला और 4:30 बजे होते ही वो समाप्त हुआ। मैं राहुग्रस्त था और सुधांशु राहुग्रस्त रहता है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे कहनी है वो ये है कि मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरा जो स्वप्न का साक्षात्कार वो साहित्य के जो प्रांगण से हो रहा है। अगर नेहरू इस समय जीत होते पंडित जवाहरलाल नेहरू तो शायद उनको बड़ी प्रसन्नता होती, वो चाहते थे कि मैं मलयालम का साहित्यकार हूँ। उन्होंने कहा था कि आप मलयालम सीखिए और उसमें साहित्यकार बनिए। तो आज मैं उनसे कह रहा था कि श्रीनिवास राव जी यहाँ नहीं है, उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है प्रख्यात मलयालम लेखक, मतलब हिंदी जो मैंने 8 साल में कविता लिखी, 12 साल में उपन्यास छपा मलयालम में, मतलब हिंदी में मैंने न जाने कितनी आलोचनात्मक लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, अभी मेरा वर्तमान निकला है यूपी के छायानाट में प्रकाशित हुआ और अपनों के बीच में लो अपनों का बीच समझ तुमसे अपना कौन, तुम प्रसन्न हो इससे बढ़कर सुंदर सपना कौन, ये सब भूल करके जब ये कहा गया तो मैं प्रसन्न हो गया। मैंने कहा चलो एक यज्ञ पूरा हुआ, वो भी राहुकाल के बाद हो तो अच्छा हुआ, भी राहुकाल के बाद ही ये यज्ञ पूरा हो रहा है। इसके लिए साहित्य अकादमी के श्रीनिवास राव जी, अनुपम जी और सारे जो हैं उनको मैं हार्दिक साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने केवल प्रख्यात बनाना साहित्य अकादमी का। तो मैं याद करता हूँ जी शंकर गुरु जिनको भारतीय ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार मिला था, उनके साथ मुझे कार में जाता था तो बैरूली श्रीधर दोनों और वो उनके ग्रुप स्रोत कुमार वगैरह वो सब मेरे सामने है, क्योंकि चूंकि मलयालम का साहित्य गोष्ठी नहीं है पर प्रकृति तो है, जो मैं उसके ऊपर ही केंद्र करके उस शब्द आपके समझ लूँगा। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मेरे बंधुवर डॉक्टर रमाकांत शुक्ल ने कह दिया है कि आप मेरी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ अपने इसमें कि मैं थोड़ा सा बोल सकूँ। अब आप लोग सुन रहे हैं, साहित्य विज्ञान तथा दर्शन का प्रकृति से चिरकालिक संबंध है, किंतु प्रकृति के बारे में इन तीनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। वस्तुतः प्रकृति शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक कृ धातु में इन प्रत्यय के योग से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ अधिक रचना या मानव के अलावा अन्य किसी सत्ता अथवा शक्ति द्वारा दी की गई रचना किया जा सकता है। संपूर्ण ईश्वरी सृष्टि आत्म तथा अनात्म दो भागों में विभक्त है, मैं के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अनात्मी है। साधारणतया मानवीयता सत्ता को हम प्रकृति कहते हैं। भारतीय साहित्य में सामान्यतया प्रकृति वर्ण दो प्रकार का माना गया है, अनुभूत भुक्त और परंपरानुक्त। अनुभूत भुक्त वर्ण में प्रधानता अनुभूति की होती है, मानव कलाकार और भाव होने के नाते प्रत्येक कवि प्रकृति सौंदर्य के निरीक्षण सूक्ष्म पैनी और अन्वेषण कारिणी दृष्टि से करता है तथा प्रकृति सौंदर्य के सरल स्निग्ध कोमल और रमणीय रूप में तन्मय को का विसर्जन करता है। अनुभूति भुक्त प्रकृति वर्णन सहज सरल सरस सुंदर और स्वाभाविक होता है, परंपरा प्रकृति वर्णन काव्य परंपरा पर अवलंबित होता है। परंपरागत प्रकृति वर्णन दो प्रकार के होता है, आलम्बनगत और उद्दीपनगत। वैदिक ऋषियों से लेकर अधुनातन भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य तक प्रकृति चिंतन की अविच्छिन्न परंपरा रही है। हमारे आयुष कवियों ने प्राकृतिक सत्य एवं सौंदर्य का सदा समादर किया है। ऋषि कवियों की दृष्टि में प्रकृति देवी थी और सद असत से परे थी। उषा सूक्त और पृथ्वी सूक्त में प्रकृति के प्रति विस्मय का भाव मिलता है। संस्कृत के कवियों ने भी प्रकृति के संवेदनशील रूपकारी
चित्रांकन किया है। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, भवभूति आदि कवियों के काव्यों में प्रकृति का सहज सौंदर्य उभर कर आया है। जिसे अपनी वाल्मीकि मां निशा प्रतिष्ठान तो अगर मां सासुकी यम से मिथुना अवधि काम हुए तो इससे बड़ा प्रकृति से क्या हो सकता है। तो उनकी रचनाओं में प्रकृति के मनोहर चित्र भी है, भयंकर विकराल रूप भी है। कहीं प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन है, कहीं मानवीकरण, कहीं प्रकृति के उपमान द्वारा मानव सौंदर्य की श्री वृद्धि, कहीं मानव तथा प्रकृति का साम्य है। कहीं प्रकृति मानव के लिए कौतूहल का विषय बन गई है तो कहीं वह मानव जिज्ञासा का समाधान करती है। कहीं पर अपने स्निग्ध सरस आंचल में मानव को आश्रय देती है, सुख और शांति प्रदान करती है, तो कहीं पर वह निवृत्ति मूलक मानव की तपोभूमि बनती है। कहीं वह अभिसारिका है तो कहीं पर मानव की सुख दुख में स्पंदित होती है और मानव को सांत्वना प्रदान करती है, तथा कहीं कवि की ओर में अपने दार्शनिक सिद्धांतों को अभिव्यक्त करती है। सृष्टि के शुभारंभ से ही मानव और प्रकृति का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति के कोमल, कठोर, उदात्त, विशाल रूपों पर रीछता हुआ मानव विस्मय विमुक्त होकर आजीवन उसके संपर्क में रहता है। अपनी प्रिय सहचरी प्रकृति से जीवन की बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती
रजनी का चित्र अत्यधिक मनोहारी है। प्रकृति में कवि की आलंकारिक योजना भी विशेष महत्वपूर्ण है। समग्र फैरी अतिशुभ चंद्रिका खिली मुदा भैरव तारिकावली बना नभो मंडल है तरार सा निशेष है शोभित राजहंस। सिद्धार्थ में अनेक स्थलों पर महाकवि ने प्रकृति चित्रण अत्यंत सफलता से प्रस्तुत किया है। वह मनोहारी चित्र आंखों के सामने जीव का त्यों आ जाता है। सिद्धार्थ के उपदेशों का प्रभाव मानव पर ही नहीं प्रकृति पर भी पड़ता है। उनके उपदेशों को सुनकर सारे वृक्ष उगाड़ चित्त फलते थे फूलते सर्वथा गोभी सुंदर रोहिणी सब हुई स्निग्धा चतुर्दायिनी पृथ्वी सस्य समस्त रत्न से भी देती महानुभति देते भानु मयूख ओ नव सुधा पीयूष की चंद्रमा। प्रकृति वर्णों को केवल संस्कृत साहित्य में ही नहीं समस्त भारतीय साहित्य के प्रमुख देशरत्न विशेषता मानते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है भारतीय कवियों को प्रकृति की सुरम्य गोद में क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त है। ये हरे भरे दोनों में तथा सुंदर जलाशयों के तटों पर विचरण करते हुए प्रकृति के नाना मनोहारी रूपों से परिचित होते हैं। यही कारण है कि भारतीय कवि प्रकृति के संश्लिष्ट तथा सजीव चित्र जिनकी मार्मिकता उत्तमता तथा अधिकता से अंकित कर सकते हैं और उपमा उपेक्षाओं के लिए जैसी सुंदर वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं वैसा रूखे सूखे प्रदेशों के निवासी कभी नहीं कर सकते। यह भारत भूमि की विशेषता है कि यहाँ के कवियों का प्रकृति चित्रण तथा तत्सम्भव सौंदर्य ज्ञान उच्च कोटि का होता है। संवेदनशील कवि कभी प्रकृति के सौंदर्य पर खींचते हैं तो कभी विभिन्न भावों से उद्दीपित उद्दीपन रूप में देखते हैं कभी उसके उपमानों की खोज करते हैं कभी उसमें अलौकिक सत्ता के दर्शन करते हैं कभी वह जीवन वह जीवन का कोई रहस्य समझाती हुई प्रतीत होती है तो कभी उन्हें मानव की भांति सजीव करती है। प्राकृतिक दृश्य चित्र के सुंदर उदाहरण वाल्मीकि कालिदास भूति आदि किताबों में मिलते हैं। वर्ड्स वर्ड टेनिसन शैली और अंग्रेजी कवियों ने काव्य में ऐसे चित्र के काव्य में ऐसे चित्र उपलब्ध इन कवियों और प्रसिद्ध आलोचक हटसन ने ऐसे चित्र के महत्व को स्वीकार किया है। दृश्य चित्र की श्रेष्ठता बिंब ग्रहण के आधार पर निश्चित होगी आस ग्रहण के आधार पर नहीं। प्रसाद ने अपने प्रकृति सौंदर्य शीर्षक लेख में प्रकृति की दिव्यता और आनंदमयता का वर्णन करते हुए लिखा है प्रकृति सौंदर्य ईश्वरीय रचना का अद्भुत समूह है अथवा उस बड़े शिल्पकार के शिल्प का एक छोटा सा नमूना है या इसी को अद्भुत रहस्य की जन्मदात्री कहना चाहिए। संपूर्ण रूप से वर्णन करना तो मानो ईश्वर के गुण की समालोचना करना है। रहस्यमय प्रकृति के विविध रूप है और मनुष्य इतना योग्य और बुद्धि संपन्न नहीं है कि प्रकृति का पूर्ण वर्णन कर सके। प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है। कवि पंथ के शब्दों में कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि रोमांचल प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले मुझे याद है मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एक कर देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। जब कभी मैं आंखें मूंद कर देखता था तो दृश्य पट चुपचाप मेरी आंखों के सामने घुमा करता था। प्रकृति के साहचर्य ने जहाँ तक एक ओर मुझे सौंदर्य स्वप्न और रचना ही बनाया वहाँ दूसरी ओर जन भीरु बना दिया। भारतीय ज्ञानपीठ के प्रथम पुरस्कार विजेता महाकवि शंकर गुप्त ने पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा था मेरा मानना है कि सुनितानंद पंत महाभूषी नजरुल इस्लाम तथा जी शंकर गुप्त में एक ही सांस्कृतिक परंपरा का स्वर मुखरित होता है। ये भिन्न भाषा स्तर भारत के विशाल और अगाध हृदय के भावों को समग्र शोभा देने में सक्षम है। जी शंकर गुरु मैंने आपको बताया मेरे अभिनंदन व्यक्ति थे मेरे अभिनंदन जो मूल्यांकन नहीं है मैं केवल दो शब्दों में कह रहा हूँ जी शंकर गुरु मेरी उन्हें संध्या का अनुवाद किया मैंने मेरी कविता नामक निबंध में काव्य प्रेरणा के संबंध में लिखते हैं आत्मा के स्थानों में नहीं अब भी निरंतर प्रवहमान वह अद्भुत चित्त व्यक्ति ही मुझे प्रकृति और मानव जीवन पर ध्यान देने उससे प्रेम करने तथा उनका आस्वादन करने का कौतुक प्रदान करती है। प्रारंभ में कविता की जीवनाली प्रकृति प्रेम तथा देशाभिमान है ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति का आकर्षण तथा सामीप्य बीच बीच में अनुभूत होने वाली एकता प्रकृति से अनुस्यूत होकर उससे पीछे खड़े हुए से प्रतीत होने वाले चैतन्य का आभिमुख्य इन्हीं वस्तुओं ने
कि सचमुच साहित्य के एक कोने में मुझे जा बैठने की जगह दिखा दी। महाकवि ने नदी पर्वत नक्षत्र पुष्प भ्रमर मेघ पवन धूमकेतु इंद्रधनुष हिमबंधु आदि अनेक हिमबिंदु आदि अनेक वस्तुओं पर कविताएं लिखी है। उनमें जीवनता का अनुभव करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनमें सौहार्द साध करते हैं। प्रकृति का मानवीकरण उससे मानव का संदेश दिलवाना ही कविता उद्देश्य होता है। नाटिका संध्या में कानों के रूप में आकाश के माध्यम से महाकवि आज के पतनोन्मुखी मानव और समाज को मर्यादित करने मर्यादित जीवित जीने की एक जागृत की चेतना जागृत की है। एक है कि आकाश खड़ा हुआ है उसका मैं नहीं वक्त है, न जाने क्या होगा इन बातों का परिणाम। मेरा मानस बना हुआ है बादल सा उद्दाम, चपल वासना की चपलाएं चमक रही है जिसमें भय है तीव्र रात की आंधी आएगी जोरों से इसमें किसी नाश के तुम पर पटके भी ले जाकर चिंता नहीं मुझे जो होना है हो जाए इस जीवन पर आगामी अंधर के डर से क्या अंधता की यादूं यदि मेरे देवी का सर तो क्या गीता सुन पता। निराला के अनुसार जो कवि और महाकवि होते हैं वे प्रकृति के हरेक समय में प्रवेश करने का जन्म से अधिकार लेकर आते हैं। यही संक्षेप में पढ़ रहा हूँ कार्यकाल की पढ़ना इसी अगर ये है राहु का निर्णा थे आप पीछे बोले में यही बोला था मैंने इसको काटते हुए पढ़ रहा हूँ प्रथम प्रणाम समाप्त आके ये राहु का नाम न बोलने की सोच रही यही कारण है कि जड़ और चेतन सबकी प्रकृति कवि को अपना स्वरूप दिखा देती है। ये दर्पण है और प्रकृति का प्रत्येक विषय उन पर पढ़ने वाला छोड़ देता हूँ। समस्त भारतीय भाषाओं तथा सभी युगों के कवियों को प्रकृति प्रभावित करती रही है, किंतु कवियों का दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति तथा प्रकृति चित्रण की पद्धतियों के प्रति हर युग में भिन्न भिन्न रहा है। प्रकृति काव्य की परंपरा के अटूट वर्ण फर्क की प्रकृति कविता में मौलिकता परिलक्षित होती है। बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक वर्ष वर्ष के संपूर्ण जीवन में प्रकृति ही प्रेरणा का मूल स्रोत रही है। प्रकृति प्रेम जन्मना उनके रक्त में समाविष्ट था, उनका संपूर्ण काव्य प्रकृति प्रेम के अनुरूप है। वर्ष वर्ष के समान ही काव्य ने अपना विश्वास व्यक्त किया है कि प्रकृति मानव को सदैव आनंद प्रदान करती है और जो भी प्रकृति की शरण में जाता है उसे वह कभी भी निराश नहीं करती। उसने स्पष्ट घोषणा की है कि नेचर देयर इज नथिंग विलेबल। शैली के अधीन आत्मा प्रकृति के अनवरत गतिशील एवं परिवर्तनात्मक उत्पादनों प्रगरमान वृजनों नृत्य करती हुई सार की लहरियों आकाश की तिरती बादलों वायु की अटखेलियां करते पुष्पों की ओर आकृष्ट हुई वह प्रकृति के परिवर्तनीय वातावरण तथा विभिन्न ऋतुओं के आवर्तन का चित्रण करने में विशेष जागरूक है। मैं छोड़ देता हूँ उसमें कविता का एक उन्होंने लिखा है जो उनकी कविता में है प्रकृति क्राउड उसकी एक पंक्ति वैज्ञानिक आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर एंड नर्सरिंग ऑफ द स्काई आई पास थ्रू द पोजेस ऑफ ओशन एंड सोर्स आई चेंज बट आई कैनॉट डाई। किस के अनुसार प्रकृति और कला एक आनंद देती है। प्रकृति में आनंद की कलाकार के मस्तिष्क में समाहित होकर कला का रूप ग्रहण करता है। इसके लिए प्रकृति स्वयं एक विराट काव्य पुस्तक के समान है। वस्तुतः प्रकृति हमारे यत्तंत्र के रूप में और तब कविता सैन्य मानव से फूट पड़ती है। मानव के लिए जीवन जितना जटिल है उतनी ही रहस्यमय प्रकृति की है। बहुत कुछ जान लेने पर भी प्रकृति का अधिकांश मानव की रहती ही है। तब के लिए भी प्रकृति रहस्य भरा सौंदर्य विस्तार है जिज्ञासा उत्कंठा रहस्य का निर्णय है। अंडर हिल का कहना है कि सृष्टि का रहस्य वस्तुतः वही जानता है जिसने प्रकृति से किया प्रेम किया प्रकृति से प्रेम किया। प्रकृति के अनुवादी आश्चर्य के नेत्रों से जिज्ञासा होकर देखा करते हैं। जिज्ञासा जब शुद्ध दर्शन या साधना की गूंज से भावना के क्षेत्र में संक्रमण कर प्रकृति के माध्यम से झांक उठती है तो समस्त प्रकृति सौंदर्य में होने के साथ ही परम रहस्यमय होकर दिव्य आभा से विमंडित होती है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का रहस्यात्मक रूप में वर्णन किया है। मैं छोड़ता हूँ प्रकृति में सचेतन व्यक्तित्व का आरोग्य मानकरण है। प्रकृति कवियों ने प्रकृति को जड़ न मानकर चेतन ही माना है। भारतीय प्रतिवाद प्रकृतिवाद दर्शन का काव्य में भाव अनुवाद है।
प्रकृति दिव्य शक्तियों का प्रतीक बनी, अपने सौंदर्य और शक्ति द्वारा अखंड और व्यापक परम तत्व का परिचय भी दिया और मानव के रूप का प्रतिबिंब तथा भाव का उद्दीपक बन करी रही। प्रकृति के से एकाक होने का उदाहरण देके प्रसाद की छाया को अपनी सखी मान सखी मान कर कहते हैं, हाँ सखी आओ वहाँ बोल हम लगकर गले जुड़ा लें प्राण, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में हो जावे जो धर्म प्रधान। समाप्त करना ये एक उदाहरण और सिंधु से पटरा वधु पर तनिक संकुचित बैठी सी प्रलय जल स्मृति में मान की बैठी सी, इस तरह से अनेक जैसे पंथी का है कहो कहो कौन हो दमयंती सी तू तर के पीछे सुनी हाय तुम्हें क्या त्याग दिया क्या अली अली नल सा निष्ठु कोई मैं सब छोड़ देता हूँ। वस्तु अभाव उस मानव के लिए आपके पास अभाव उस मानव के लिए सबके लिए समय है, मतलब हम बैठ सकते हैं जा कर सकते हैं सुनने के लिए, तो बस वस्तुता अभाव उस मानव के लिए अवकाश ही नहीं रहा प्रकृति के सौंदर्य पान के लिए। पंत जी ने तो कही दिया कहाँ मनुष्य को अवसर मधुर देखे प्रकृति मुख कब अभाव से जल जल प्रकृति उसे उसे देगी सुख भौतिक भौतिक महामारी कुंठाओं से ग्रस्त प्रकृति वाली कवियों 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 भौतिक भौतिक अहम वाली कुंठाओं में गाओ 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 बोल भौतिक महामारी कुंठाओं से ग्रस्त प्रकृति वाली कवियों कवियों में भी प्रकृतिवादी प्रकृति के आकर्षण भाव मिलता है, उन्होंने प्रकृति के दृश्यों को आत्मिक दृष्टि से परिवेश में प्रस्तुत किया है। रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ रात से दीपा हुआ चौका अभी किया पड़ा है। प्रकृतिवादी कवियों कविताओं में प्रकृति प्रकृति के आलिंगन के उद्दीपन में प्रचुर मात्रा मिलते हैं, आलम्बन वर्णन कम है, इन कवियों को प्रकृति का मानवीकरण करने में विशेष सफलता मिली है। चांदी का सत्य स्थान था नारी के रूप में चक्रम आधे कवि भी ये कर रहे हैं, होश नहाई रात गोली गीली समुचार की अपन, अपने अंग पर शश ज्योति की संदिग्ध चादर डाल देखो आ रही है योग गंगा से निकल सो, इस प्रकार प्रकृति का संश्लिष्ट तथा यथाथ चित्रण नई कविता में किया गया है। उतना मानव जीवन का नहीं हो सका, इन कवियों ने पुराने प्राकृतिक उपमानों के स्थान पर नए उपमान खोजे, सौंदर्य बोध का प्रकृति भी का स्तर भी परिवर्तित हुआ है। तुलसी नीम बबूल बेला आदि पर प्रकृति परक कविताओं का लिखा जाना इसका प्रमाण है। उन्होंने कोरा प्रकृति चित्रण न करके सामाजिक समितियों को उघेरने और उसके विचार को प्रकट करने के लिए प्रकृति का उपयोग किया है। जीवन प्रकृति फिर भी नहीं है, प्रकृति जीवन के कवित यथार्थ का चित्र दृष्टव्य है। वसंत एजेंट हो गया है बहारों का, रूप रंग रस ठेके पर चलता है, बहारें सप्लाई होती हैं, पावस बरसाता है झमाझम मधु, साहबों के बंगले पर मूसलाधार जहर बरसाता है, प्रेमचंद और अरुणों के तट पर। हिंदुस्तान कवियों में प्रकृति के विभिन्न स्थानों हरे भरे जंगल पहाड़ नदियों ग्रामीण और महानगरीय परिवेश के विभिन्न दृश्य अंकित किए जा रहे हैं। इनकी कविताएं जहाँ चुनौतियाँ देती हैं वही समाधान प्रस्तुत करती हैं। ये जंगल हैं सारे सवार यहाँ गुम हैं, बस एक ऊपर वाला और हम तुम हैं। आप कर रहा हूँ ऊपर लिखित विवेचन से ये हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकृति और साहित्य का संबंध अनन्योन्याश्रित है, ये एक दूसरे पूरक है, एक बिना दूसरा कभी पूर्ण नहीं हो सकता। साहित्य जिस मानवता के पोषण का ज्ञान राष्ट्र के संचित कोष होने का और सर्व कल्याण के मार्ग का उत्तरदायित्व निभाता है वह उद्देश्य प्रकृति के अंग उपांगों के साक्षात्कार द्वारा ही संभव है। साहित्य केवल यथा तथ्य की अभिव्यक्ति नहीं करता वरन वह जीवन जगत के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने का प्रयत्न करता है। उसका ये प्रयत्न इसीलिए सही हो पाता है क्योंकि प्रकृति स्वयं में रहस्य भी है और उस जिज्ञासा का प्रत्यक्ष निदान भी है। साहित्य का सौंदर्य अंततः प्रकृति का ही सौंदर्य है जो नैसर्गिक अनगर अकृत्रिम और अद्वितीय सौंदर्य का भंडार है। व्यावहारिक जीवन की सुंदरता से हम कभी कभी उठ जाते हैं लेकिन प्रकृति की सुंदरता से मन कभी अघाता नहीं है क्योंकि उसमें हर पल नूतनता का अमर भाव समाया होता है। प्रकृति के सुकुमार ग्रंथ कहे जाने वाले महाकवि जी शंकर और सुनितानंद पंत जैसे कविताओं जैसे कवियों की कविताओं
प्रकृति के विविध रूप रंग को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उनका भी मन जब इस धरती की कुलाह से उजड़ता है तो प्रकृति के उस मौन निमंत्रण को सुनना चाहते हैं जो मूल भाव से अपना संदेश दे रही है। वस्तुतः इन कवियों की ये जिज्ञासा और प्रकृति का मुख्य संदेश मानव मात्र की चिरकालिक छठ पदार्थ की अनुभूति है, सांसारिक सुख सुविधाएं अपार हो अथाह हो लेकिन उससे सच्चा सुख उपलब्ध नहीं होता और इसी कारण मनुष्य प्रकृति की ओर आत्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिज्ञासा भाव रखता है। आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में प्रकृति को सन्निकट से देखने की अवसर किसी को नहीं है और नहीं सब लोग उसे समझ सकते हैं। इसलिए प्रकृति की सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य ही एक सशक्त माध्यम है जिससे प्रकृति के नाना रूपों को देखा परखा और समझा जा सकता है। हर्ष का विषय है कि आज प्रकृति के छेड़छाड़ के प्रति व्यापक संजीव की जगह है, पर्यावरण संपूर्ण विश्व की चिंता का विषय बन गया है। जंगल जमीन पहाड़ पशु पक्षी को सुरक्षित करने के लिए विश्व के सारे देश प्रयत्नशील हैं, अन्यथा विज्ञान की लगातार दौड़ में प्रकृति के अन्य उपायों को प्रेमपूर्ण दृष्टि कौन देखता। विज्ञान ने प्रकृति का स्वार्थपूर्ण दोहन किया है और अभी भी कर रहा है, जबकि साहित्य ने प्रकृति के विशद सौंदर्य के प्रति मानव को सजग किया है। मानव का दायित्व है कि वह प्रकृति की आवाज सुने समझे, अन्यथा महान विनाश का सामना करना पड़ेगा। इसका बोध साहित्य ही करा सकता है, विज्ञान नहीं। हाँ जी, सुधांशु चतुर्वेदी जी, आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि आर्ष साहित्य से भारतीय भाषाओं के तमाम साहित्य से होते हुए और समकालीन साहित्य तक की आपने इस बीच वक्तव्य में पूरी यात्रा करा दी है। और निश्चित तौर पे जैसा कि सुधांशु जी कह रहे थे कि प्रकृति को देखते हुए मन नहीं लगाता है, इसी तरीके से सुधांशु जी का जो अद्भुत ज्ञान है उसे सुनते हुए मन नहीं लगाता है। हम निश्चित तौर पे आपको लगातार सुनते रहना चाहते थे, लेकिन हमारे पास भी आप समझ सकते हैं कि संचालक की भूमिका बड़ी ही दयनीय होती है और इसी वजह से मुझे बीच में हस्तक्षेप करना अब मैं डॉक्टर पूरन चंद्र जी को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर पूरन चंद्र मध्यकालीन कृष्ण काव्य की सुंदर चेतना पर आपने डीलिट की उपाधि प्राप्त की, सोमनाथ व्यक्तित्व और कृतित्व पर आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और वारवध विनोद का काव्य शास्त्री विवेचन पर आपको एमफिल की उपाधि मिली है। आपने श्री अरविंदो कॉलेज श्री और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया। 1991 से दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी आप अध्यापन कर रहे हैं। आपको हिंदी भाषा, व्यवहारिक हिंदी, अनुवाद, मध्यकालीन साहित्य, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, मीडिया और सौंदर्य शास्त्र, ये आपकी रुचि के विषय हैं। आपकी लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपके आलेख देश और विदेश की तमाम महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आप अनेक संस्थाओं की समितियों में सम्मानित सदस्य हैं। भारतीय अनुवाद परिषद के सचिव के बाद आप निदेशक हुए, नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी के अध्यक्ष, इवनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी के प्रभारी आदि कई रूपों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आपको हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार का बेस्ट एडिटिंग अवार्ड 1997 में और 1999 में प्राप्त हुआ। विजेंद्र स्नातक सम्मान, डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर स्मृति साहित्य भूषण सम्मान, साहित्य श्री सम्मान, राष्ट्रीय भाषा गौरव सम्मान, साहित्य महोपाध्याय सम्मान, हिंदी सेवा सम्मान जैसे कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है डॉक्टर पूरन चंद्र जी। कुछ प्रकाश डॉक्टर साहब ने डाला,
तो मैं बहुत संक्षेप में अपनी कुछ बातें रखूंगा क्योंकि आवृत्ति से बचने की आवश्यकता है। साहित्य को विशेष रूप से केंद्र में रखकर हम चार कालों में जब विभक्त करते हैं हिंदी साहित्य को तो देख सकते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल, युद्धकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में अलग अलग खंडों में हम दृष्टि डालें तो भारतेंदु से लेकर द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता क्रमशः हम देखें, प्रकृति से कवि या गद्यकार विमुख है। उसके बिना भरी आदमी 21वीं शताब्दी में लोहे और पत्थर के युग में हो, लेकिन आज भी जो सृजन हो रहा है साहित्य में वह प्रकृति से जुड़कर और प्रकृति के विभिन्न उपमानों के माध्यम से प्रकट किया जा रहा है या लिखा जा रहा है। प्रकृति के अनेक रूप हमारे सामने दिखाई देते हैं। मैं कुछ रूपों पर डॉक्टर साहब ने चर्चा की है, जैसे प्रकृति मनुष्य के अनेक मनोभावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। वह विरह में है तो विरह की समस्त कविता है, चाहे वो नायिका और नायक से संबद्ध हो, गोप गोपियों से संबद्ध हो, पति पत्नी से संबद्ध हो या अन्य रिश्तों को लेकर भी जब हम व्याख्यात करते हैं तो बात चाहे प्रेम के संयोग और वियोग की हो, वहां प्रकृति अभिव्यक्ति का एक सशक्त उपकरण बन के माध्यम बन के आती है। अगर मनुष्य के रूप वर्णन की बात हो, उसमें स्त्री और पुरुष, यहाँ तक के बाल सौंदर्य की भी चर्चा जब होती है तो उसमें भी प्रकृति बहुत ही बेहतरीन ढंग से अभिव्यक्ति पाती है, स्थान पाती है। नायिका के नक्षिक वर्णन में तो इतने उपमान प्रकृति के हैं और जिसका उल्लेख अवसर ने किया भी, पांव के नाखून से शिखा तक अत्यंत में कवि के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए ये प्राकृतिक उपमान सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मानव और प्रकृति के अंतः संबंध को लेकर, तमाम सामाजिक चुनौतियों, विद्रोहताओं को लेकर जब कभी चर्चा होती है, अगर मान लीजिए प्रकृति के बहुत विकराल रूप की बात करनी है या प्रकृति के बहुत उदार रूप की बात करनी है या प्रकृति को एक रक्षक के रूप में, राष्ट्र रक्षक के रूप में चित्रित करना है, ऐसे अनेक बिंदु कवियों ने और लेखकों ने बनाए हैं। प्रकृति को, प्रकृति का सौंदर्य और प्रकृति के माध्यम से मनुष्य का सौंदर्य, इन दोनों को भी हमारे रचनाकारों ने स्थान स्थान पर जोड़ा है। उसकी चर्चा भी मैं विस्तार से नहीं कर रहा हूं। प्रकृति के अनेक रूप जब हम कह रहे हैं, जिसका संकेत डॉक्टर साहब ने किया, उनमें कुछ महत्वपूर्ण रूपों की बात मैं जरूर करना चाहूंगा। एक तो आलम्बन रूप में प्रकृति, कवियों ने प्रकृति को केंद्र में रखकर कहीं उसे नायक और नायिका भी बना दिया है। ऐसे भी बहुत सारे वर्णन हमारे पास मिलते हैं जिसे कुछ तो रचनाएं ही विशुद्ध प्रकृति केंद्रित है। मध्यकाल की तो ऐसी कम से कम 40 रचनाएं हैं, जैसे गंगा लहरी बहुत सारी रचनाएं हैं, यमुना लहरी बहुत सारी रचनाएं हैं, हिमालय को लेकर, नदियों को लेकर, पर्वतों को लेकर कवियों ने या रचनाकारों ने बहुत विस्तार से विवेचन किया। उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ, जहां जहां आवश्यकता पड़ती है वह भावों को उद्दीप्त करने में नायिका के या नायक के उस परिस्थितियों को कैसे उद्दीप्त किया जाए, परिवेश का निर्माण कैसे किया जाए, उन सब का भी बहुत सुंदर चित्रण हमारे यहाँ मिलता है। अलंकार रूप में प्रकृति चित्रण भी बहुत विस्तार से हुआ है, प्रकृति से अलंकृत करने की एक लंबी प्रक्रिया हमारे यहाँ मिलती है। मानवीकरण की चर्चा अवसर में की, छायावादी कवियों ने या स्वच्छंदतावादी कवियों ने, उत्तर मध्यकाल में जो रीतिमुक्त कवि हैं वहां भी प्रकृति का मानवीकरण खूब विस्तार से देखने को मिलता है। उपदेशात्मक रूप में प्रकृति का चित्रण भी कवियों ने, रचनाकारों ने प्रचुर मात्रा में किया है। और परोक्ष सत्ता की अभिव्यक्ति, उस अलौकिक सत्ता की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति को की सहायता दी है, उसकी मदद दी है। पृष्ठभूमि के निर्माण के लिए प्रकृति का रचनात्मक उपयोग किया गया।
मुहावरे और लोकोक्तियों के रूप में भी प्रकृति का समय समय पर प्रयोग रचनाकारों और कवियों ने किया है। और इन सबके साथ साथ सौंदर्य की अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यमों के रूप में प्रकृति को कवियों ने लिया है। तो उनके उदाहरण में छोड़ रहा हूं, कहीं कहीं हम देखें कि चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो, और यहाँ तक कि जो सूफी काव्य है आदिकाल की अगर हम बात करें, उसको अक्सर किया विद्यापति का काव्य प्रकृति से भरा हुआ है। अरण्य श्रमकांत जी बैठे हैं, विद्यापति के काव्य के विशेषज्ञ हैं, पूरा पूरा साहित्य उनका प्रकृति के अलग अलग बिंबों से आच्छादित है। और यहाँ तक कि अमीर खुसरो में भी प्रकृति का बहुत रचनात्मक प्रयोग है। इसी तरह से जो लोक साहित्य है हमारे यहाँ, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य है, उसमें भी प्रकृति के बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। लेकिन भक्तिकाल और नीतिकाल जो मध्यकाल है उसमें तो काव्य धाराओं के आधार पर अगर हम देखें तो बहुत व्यापक स्पर्धन हम देख सकते हैं उदाहरणों के साथ। जैसे कृष्ण भक्ति काव्य, उसमें तो प्रकृति का अष्टछाप के कवियों ने खुले हाथ से प्रयोग किया। और न केवल कृष्ण भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य में एक से एक बेहतरीन उदाहरण हम प्रकृति में देख सकते हैं। केशव जैसा कवि, जिसको कठिन काव्य का वेद कहा गया, उन्होंने रामचंद्रिका में प्रकृति के ऐसे अद्भुत चित्रों को बनाए हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कभी कभी केशव की पंक्तियां, केशव के उदाहरण उनको देखकर, हालांकि बाद में रीतकाल के अनेक कवियों ने केशव के उस प्रकृति चित्रण को लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर बहुत कुछ लिखा भी है, उसको हम उसका उदाहरण भी बार बार देते हैं। तो बात चाहे कृष्ण काव्य की हो, राम काव्य की, तुलसी ने रामचरित मानस हो, या कविता में भी जो हावी की हो, उनमें प्रकृति के एक से एक सुंदर चित्र देखने को हमें मिलते हैं। इसी तरह से सूफी काव्य प्रकृति, पूरे सभी सूफी कवियों ने हम देखें, चाहे जैसी हो, चाहे गुतबन हो, चाहे उस्मान हो, चाहे नूर मोहम्मद हो, ये जो उत्तर मध्यकाल का काव्य आते हैं, पूरी परंपरा षड ऋतु वर्णन वहाँ हमें मिलेगा, बारह मासा वहाँ हमें मिलेगा। तो और पशु पक्षियों को लेकर कितनी मैंने सहजता से, सहृदयता से उनका रचनात्मक उपयोग कवियों ने किया है, तो वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। बाल कृष्ण को लेकर, बाल राम को लेकर भी प्रकृति के बहुत सुंदर कवियों ने बनाए हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे उत्तर मध्यकाल में तो अन्योक्ति परक जो छंद है, चाहे वो दोहे हैं, चाहे कवित्व है, चाहे सवैये हैं, जहाँ जहाँ अन्योक्ति का उपयोग है वहाँ भी प्रकृति को लेकर हम लोग जानते हैं। बिहारी ने जैसी के दरबार में रहते हुए, वो जैसी के दरबार में रहते हुए नहीं बराग नहीं मधुर मधुर, इस तरह के छंदों के दोहों के माध्यम से भी, तो कहाँ कहीं भमरे को लेकर, कहीं कोयल को लेकर, कहीं मोर को लेकर, कहीं तमाम तरह के अन्य पशु पक्षियों को लेकर, हाथियों को लेकर, घोड़ों को लेकर, जो प्रशस्ति काव्य है मध्यकाल का, उसमें ये सारे जीव जंतु, इनकी इनके क्रियाकलाप, इनकी इनकी उपाधेयता, इन सबको भी प्रकृति से जोड़कर बहुत बेहतरीन ढंग से उपयोग किया गया, उनका वर्णन भी किया गया। इसी तरह से अगर हम देखें कि कुछ उदाहरण एक दो मैं जरूर चाहूंगा कि आपके सामने रखूँ। भौर भावरे भरत है कोके सुर मंगरात, या रसाल की मध्य में सौर शुभ सरसार। तो कैसे पराग को लेकर, कैसे पुष्पों और कलियों के खिलने को लेकर, किस तरह से भंवरों और उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति को लेकर उनसे जोड़ करके प्रतीकात्मक रूप में भी कवियों ने उनका उपयोग किया। एक और बड़ी अच्छी बात देखने को मिली कि रचनाओं के नाम या कविताओं के नाम भी प्रकृति पर है और उसकी एक लंबी परंपरा है। मान लीजिए अगर हम बात गोदान की करें, अगर हम बात कहानियों और उपन्यासों और नाटकों की करें, उनका तो उदाहरण दे ही सकते हैं। कविताओं में भी चाहे पंत हो, चाहे निराला हो, चाहे प्रसाद हो, या मध्यकाल की कविताओं में भी हम देखें तो हमें लगता है कि रचनाओं के नामकरण में उन कवियों ने, जैसे पल्लवी नाम रख दिया पंत ने, तो और उसके आधार पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रकृति, क्योंकि उन्हें तो प्रकृति का चेहरा कभी कहा ही गया। इसी तरह बादलों को लेकर निराला ने
जो बादल राग जैसी कविताएं लिखी या प्रसाद में तमाम तरह के प्राकृतिक उपादानों को लेकर जो कविताएं लिखी, तो एक से एक बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने हैं जो चर्चा हम कर सकते हैं। और पूर्व मध्य काल में जो रसखान ने प्रकृति का जितना रचनात्मक उपयोग किया उसका विकास हमें रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्य में देखने को मिला, क्योंकि स्वच्छंदता की दृष्टि से समानता दोनों जगह दिखाई देती है। तो रीतिमुक्त कवियों ने रसखान की उस धारा को प्रकृति के माध्यम से अपनी कविता में कैसे जोड़ा, उसके भी बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। इसी तरह से अगर एक आध उदाहरण और मैं उद्धृत करूँ तो हमें लगेगा कि सूरदास ने जैसे नकशे शिक्षक की जैसी चर्चा मैंने की, राम का एक बड़ा सुंदर कवित्व है अद्भुत एक अनुपम बात, जुगल कमल पर गजबर क्रीड़ा तापर करत सिंह ननुरा हरिपल सरवर सर पर गिरवर गिरवर करा। तो एक एक अंग का चित्रण करते जाना है और प्रकृति से उपादान उपमान लेकर के उसकी समानता दिखाते जा रहे हैं। या मैथिलीशरण गुप्त को याद करें कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़ी का संस्कृत भ्रांति से, तो किस तरह से एक सुंदर बिंबात्मक रूप में प्रकृति का उपयोग करने की ये परंपरा बढ़ती रही है और आधुनिक युग तक आते आते यहाँ तक कि छायावाद के बाद के कवियों ने भी प्रकृति का बहुत सुंदर और रचनात्मक उपयोग किया, चाहे वो नागार्जुन हो, चाहे वो शमशेर की कविता हम पाकर देखें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि प्रकृति के प्रति कवियों के मन में एक जागृति रही है, रुझान रहा है। अगर मध्यकाल के कवियों में माली आवत देखकर कलियां करे पूरी पूरी चुन में कली हमारी बार वहां दृष्टि डाले, या रवि शशि नकद दीप ही कोई, ये जो तमाम सूफी कवियों ने एक एक कैसे सूर्य को, कैसे चंद्रमा को, कैसे तारों को लेकर, और जब कवियों के विषय में भी लोगों ने लिखा, कवियों ने लिखा तो सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, उस तरह के उदाहरण देकर भी उन्होंने प्रकृति को अपनी अभिव्यक्ति का एक माध्यम बनाने का प्रयास किया है। षड्ऋतु वर्णन, तालाब वर्णन, पर्वत, झरने, बादल, वर्षा, ग्रीष्म, ग्रीष्म का ताप, पशु पक्षियों का, चांद चांदनी का, फूल और फलों का, इन सब का ताल तालाब वर्ण नहीं जाई, सूझे बार बार कछु नाही, फूले फुमद सेत कुछ यादे, मानव हुए गगन में तारे। जैसी इस तरह से तारों के उदित होने की परिकल्पना अपने कविता में करते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, ये बड़ा चर्चित छंद है, हम सब जानते हैं कि वो गोकुल में क्यों जन्म लेना चाहते हैं। और कुछ शब्द शक्तियों के उद्धरणों में जैसे शास्त्र के निरूपण को लेकर या निरूपण काव्य को लेकर भी कवियों ने प्रकृति का बड़ा सुंदर उपयोग किया है। बैठ गई अति सघन मन पैद सघन चंदन माँ, देख दो पहली जेठ की छाहम चाहती छा, इस तरह के उदाहरण भी मिलेंगे। और स्वार्थ सुकृत ना शम रखा, देख व्यंग विचार बाज पराए पानी पर तू पच्चित नार, किस तरह से कवियों राजाओं को या आश्रयदाताओं को अगर चेतावनी देनी है तो उसमें भी प्रकृति के अधि तो अधि को माध्यम बना करके, भंवरे को माध्यम बना करके, तो हम देख सकते हैं कि भाग्य के युग में श्रीधर पाठक ने, रूप नारायण पांडे ने, मुकुरधर पांडे ने, रामवेश त्रिपाठी ने, मैत्रीशन गुप्त ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और महादेवी वर्मा की कविता प्रकृति के अनेक उपमानों और उपादानों से भरी हुई है। कहीं लघु लघु लोल लहर की चर्चा प्रसाद करते हैं, कहीं जूही की कली की बात निराला करते हैं, कहीं मेरे रघुपति मेरे विशाल स्त्री की बात पंत करते हैं या निराला करते हैं, हिमात्र तुंग शुंग से बतुक शुद्ध भारती। इसी तरह सूर्य दिवस का आसान समीप था, गगन था कुछ लोही दो चला, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि कहीं नीला आसमान, कहीं मेघों की गर्जना, कहीं नीला समुद्र, कहीं सुमन नोचने की, तुम सुमन नोचते रहते करते जानी अनजानी, कहीं कानन कुसुम की बात करते हैं, छोड़ द्रुमों की द्रुमों की मध मृत छाया पंत ने बहुत सुंदर कविता के माध्यम से। तो हम देख सकते हैं कि दिवसा अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी धीरे धीरे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा,
नीचे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जलता ऊपर जलता एक तरता एक श्रम एक तत्व की ही प्रधानता का उसी बढ़िया चित्र। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य में क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं और समय का अभाव है और मुझे मैं जानता हूँ कि अभी और मित्रों ने भी बात करनी है, तो यह जो कहा जा सकता है कि भले ही प्रकृति से कवि को या गद्यकार को अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने में एक सहजता का अनुभव तो होता है, ऐसा लगता है प्रकृति का सहारा लेकर उसका कैथारसिस हो रहा है, उसका विरेचन हो रहा है और उसे अभिव्यक्त करने में कुछ मदद मिल रही है। तो मुझे लगता है कि प्रकृति की एक विलक्षण और अविस्मरणीय भूमिका रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी, हम कितने ही लोहे और पत्थर के युग में चले जाएं लेकिन उसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं और उसके प्रति यह जागृति बनी रहेगी और हमें उसको बनाए रखना चाहिए। बहुत ही सूत्रात्मक तरीके से आपने पूरे हिंदी साहित्य के तमाम अवतरणों से प्रकृति और साहित्य का संबंध निर्मित किया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी को आमंत्रित करूँगा अगले व्याख्यान के लिए। प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं। आपने अपने पटना महिला महाविद्यालय मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय में और नेशनल में आपने अध्यापन किया है, नेशनल संस्कृत मिशन के निदेशक रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आपको संस्कृत व्याकरण, आधुनिक भाषा विज्ञान, दर्शन और सौंदर्य शास्त्र में रुचि है। आपकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपको इंटरनेशनल हूज ऑफ हूज हू ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस वुमेन, अंतर्राष्ट्रीय एशिया हूज हू मेन एंड वुमेन ऑफ अचीवमेंट, वर्ल्ड हूज हू ऑफ वुमेन KVI USA में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त है। आपको डिस्ट्रिक्ट अचीवर अवार्ड महिला जागृत अभियान दिल्ली द्वारा तथा मंदाकिनी संस्कृत विद्यापीठ द्वारा विद्यासागर उपाधि से अलंकृत किया गया है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन की आप चेयरिंग फेलो, लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, द्रविडियन लिंग्विस्टिक एसोसिएशन त्रिवेंद्रम और ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस की आप आजीवन सदस्य हैं। आपने देश विदेश की अनेक सांस्कृतिक यात्राएँ की हैं। आप वुहान यूनिवर्सिटी चाइना में विजिटिंग प्रोफेसर रही हैं। डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी जी, प्रकृति पर मनुष्य आश्रित है और
मैं कोई बहुत मौलिक बात नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं क्लेम करूंगी कि मैं जो कह रही हूँ ये बहुत मौलिक बात है। ये संभवतः मैंने जो शास्त्र पढ़े हैं उनका परिणाम है कि मैं प्रकृति को इस रूप में देख पा रही हूँ। सांख्य दर्शन में यदि प्रकृति शब्द को आप देखें तो प्रकृति वो मूल स्रोत है जहां से यह सृष्टि हुई। तो मूलक प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृति सप्त षोडश कश्च विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा। ये जो कारिका आई है यहां से प्रकृति के स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। और यहां सभी विज्ञ बैठे हुए हैं, मैं केवल संकेत करके बातों का छोड़ दूंगी विस्तार में, फिर कभी अगर अनुपम जी ने मौका दिया तो घंटे दो घंटे बोलूंगी, आज उतनी देर नहीं हो। तो प्रकृति अगर इस सृष्टि का मूल है तो फिर प्रकृति तो हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अभिन्न अंग है। संस्कृत के साहित्य में यद्यपि आदरणीय सुधांशु जी ने उसको उपादान के रूप में, जो उसका एक रूप है उसमें कभी कोई संदेह नहीं है, आलंबन भी है, उद्दीपन भी है, सब है, लेकिन प्रकृति के बिना हम नहीं और हमारे बिना प्रकृति नहीं, ये जो काल कवियों ने संस्कृत में रखा है वो बहुत ही विचारणीय है इस दृष्टि से कि उनकी एकात्मता जो प्रकृति के साथ है, उन्होंने जिस रूप में प्रकृति को देखा है। वेद के बहुत सारे सूक्त हैं, प्रकृति से संबद्ध सूक्त हैं, सब है। मैं केवल एक मंत्र का उल्लेख यहाँ करना चाहूंगी जिसका आज भी हम प्रायः हर कार्यक्रम में पाठ करते हैं, कार्यक्रम की समाप्ति पर शांति पाठ होता है, और उस शांति पाठ को अगर देखें तो उसमें है क्या, यौग शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आपह शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, शांतिरेव शांति, और तब अंत में सामा शांति रेति। अर्थात मनुष्य को शांति की उपलब्धि तभी हो सकती है जब समस्त उपादान जिनके बीच में वो जी रहा है वो शांति। कष्ट की बात यह है कि मनुष्य के अहंकार ने उसको भोक्ता बना दिया, और भोक्ता बना देने के कारण हम इसमें बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं कि हमने नदियों का वर्णन कर दिया, हमने पर्वतों का वर्णन कर दिया, हमने फूलों को खिलते हुए देख लिया। यदि कालिदास को आप पढ़ें, और शायद भवभूति की चर्चा इस संदर्भ में नहीं की जाती है, मैंने भवभूति को भी इस दृष्टि से देखने की कोशिश की है, तो कालिदास ने प्रकृति का जो चित्रण किया, मुझे चित्रण शब्द कमजोर मालूम पड़ता है, मैं नहीं जानती कि यहां पर मैं किस शब्द का प्रयोग करूं, क्योंकि वो कालिदास का चित्रण नहीं है, वो तो उनका एक पात्र है। आप यदि शाकुंतल को उठाकर देखें तो पहले ही अंक में तीव्रवदा कहती है शकुंतला से कि अरे तुमने जिसका नाम वनज्योत्स्ना रखा था तुम उसे तो भूल गई, तुमने उसमें पानी नहीं डाला, तो तुम उसे अगर भूल गई ये तो गलती तुमसे हो गई। और उसका जो जवाब शकुंतला ने दिया है, यदि इसको मैं भूल जाऊंगी तो मैं स्वयं को ही भूल। तो ये जो तादात्म्य है प्रकृति के साथ कि नवमालिका को भूलने का मतलब है स्वयं का विस्मरण, ये कालिदास वर्णन नहीं कर रहे हैं, कालिदास प्रकृति को हमारे जीवन का एक अंग बता रहे हैं, जैसे हमारी आंखें हैं, हमारी कान हैं, हमारा शरीर है, हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, वैसे ही प्रकृति भी हमारा अभिन्न। इतना ही नहीं, कहिए कि शायद एक प्रसंग आ गया
का वर्णन करते हैं और कहते हैं शुभ प्रधानेश तपोधनेश गुणमिदा आत्मपस्तेज स्पर्शानुकूला एव चंद्रकांता तेजोन्य तेजो विभवात् भवन्ति। बात कर रहे हैं ऋषियों की और विवरण दे दिया कि चंद्रकांत मणि जो है वो दूसरों को किस प्रकार पराभूत कर देता है, अर्थात ऋषियों के तेज में और चंद्रकांत के तेज में तादात्म्य है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एकाकार है। अगर ऋषियों का अपमान कीजिएगा तो उनका तेज वैसे ही जागृत हो जाएगा जैसे चंद्रकांत मणि, वैसे तो शीतल होता है लेकिन उसका तेज जागृत। मैंने भवभूति का नाम लिया, थाली को लाकर न्याय एक संस्कृत में होता है। हम जब चावल बनाते हैं और चूंकि गृहिणी भी हूं इसलिए उदाहरण देने में कोई संकोच नहीं है, चावल बनाते हैं तो चावल में पत्नी डालते हैं, एक चावल निकाल कर देखिए। तो भवभूति ने राम के मुख से कहलाया है यत्र ध्रुमा अपि मृगा अपि बांधवों में गए हैं लौट करके अरण्य में, और लौट करके गए हैं तो वो याद दिला रहे हैं कि यहाँ के वृक्ष, यहाँ के पशु, यहाँ के पक्षी ये मेरे मित्र, तो मित्र वत में ही है बांधवों में। और संस्कृत में दीवा वत इन सब का बड़ा महत्व है, अगर उनका प्रयोग नहीं हुआ है तो किसी न किसी अभिप्राय के कारण। तो ये जो एक दृष्टि है, हम काल के जाने की बात करते हैं, काल के आने की बात करते हैं, दो श्लोकों का उदाहरण देकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, क्योंकि काल की बात कर रही हूं इसलिए तालात्य ठीक नहीं होगा। तो कालिदास ने चतुर्थ अंक आरंभ किया है, यात्ये कतोस्त शिखरम परिरोष दीनाम आविष्ट तोरण तुरस्तर एक तोर कर तेजो द्वयस्य युगपत व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्य वैश दशांतरेषु। एक ओर सूरज निकल रहा है, दूसरी ओर चांद डूब रहा है, और ऐसा है कि इन दो तेजों के एक साथ उदित और अस्त होने से मानो लोक का नियंत्रण हो रहा है कि उदय और अस्त तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ओर उदय होता है एक ओर अस्त होता है, और लोक में प्रतिदिन उदय भी होता है और अस्त भी होता है, और लोक की सृष्टि भी होती है और लोक का प्रलय भी होता है। ये सारा कुछ एक सूर्य के उदय और एक चंद्रमा के अस्त, कहीं पर कोई उपमा नहीं दी गई। कालिदास से उपमा की बात कही जाती है, कालिदास की कोई उपमा नहीं है यहाँ पर, केवल सीधी सच्ची बात है लोको नियम इवैष दशांतरेषु, इन दोनों दशाओं के बीच में मानो लोक का नियंत्रण हो रहा है। तो प्रकृति की जब हम बात करते हैं बहुत सारी समस्याएं, अनुपम ने जो शुरू में जरा स्वच्छता की बात कह दी थी तो मैं उसकी ओर संकेत कर दूं। ये जो उपभोक्तावाद हो गया है मनुष्य का कि सृष्टि में जो कुछ है वो हमारे उपभोग के लिए, दूसरी एक चीज और भी है कि संस्कृत की परंपराओं को और संस्कृत के चिंतन को पुरातनपंथी कह दिया है, इसलिए जो बातें बहुत अधिक व्यावहारिक थी वो बातें भी आज त्याज्य हो गई। हमारे यहां वृक्षों को देवता कहा गया और वो देवता हमारे जीवन का अभिन्न अंग कैसे हैं, जिन्होंने कालिदास को पढ़ा है वो जानते हैं, शकुंतला जाती है तो उसके जाने के समय वो उसके लिए श्रृंगार की सामग्री प्रदान करते हैं। हमने क्या किया, हमने वृक्षों को कहा भैया ये माता पिता तो पुरातन पंथी सोच है, माता पिता कैसे हो सकते हैं, वृक्षों को काटना शुरू कर दो। अब पर्यावरण की समस्या हो गई है, कितने लोगों को पर्यावरण समझाइएगा,
ये बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जिसमें सामान्य मनुष्य को भी इस यात्रा में अपना सहभागी बना लिया गया था। वो बिना समझे भी भैया देवता देवता को नहीं काटना। ये सारी पर्यावरण की समस्या तब से उदित हुई है जब से हमने प्रकृति के साथ अपने सामान्य संबंधों को भी काट करके उसको उपभोग की वस्तु बना। कालिदास के लिए वो उपभोग की वस्तु नहीं है। मृग जो है पुत्र कृतकः मृगस्य, तुमने उसको बेटा बनाया और यही तो नहीं बनाता है, पार्वती भी बेटा बनाती है। तो पुत्र भाव जब रहेगा तब प्रकृति का विकास होगा। नदी को हमने कहा माता है तो इसमें कह दिया अंधविश्वास है, नदी माता कैसे हो सकती है? तो जाइए नदी की सफाई कीजिए, गंगा सफाई अभियान करोड़ों करोड़ों से चल रहा है फिर भी गंगा साफ नहीं हो रही है। और एक समय था जब गंगा कभी आगे हुई ही नहीं, तो गंगा माता थी, वृक्ष देवता थे। ये अंधविश्वास नहीं है, ये बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत सामान्य वर्ग को भी उससे जोड़ने का यत्न है जो जुड़ करके बिना प्रश्न किए प्रकृति को नुकसान नहीं। तो संस्कृत साहित्य में प्रकृति अनेक रूपों में आई है। जैसा कहा मैंने आरंभ में ही, सुधांशु जी ने कहा आलंबन उद्दीपन के रूप में आई है, वर्णन के साध्य के रूप में आई है। अस्तुत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगादे राजा पूर्वापरो तो यदि दीप गाय तृतीयम विमान दंड। इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हिमालय का एक वर्णन करना। तो वर्णन का उपादान प्रकृति के बहुत सारे वर्णन है। पूरा का पूरा मेघदूत जो है वो यात्रा का वर्णन, रघुवंश का 13वां सर्ग जो है वो प्रकृति का वर्णन है। तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति वर्णन नहीं वह, लेकिन जो दृष्टि प्रकृति के प्रति साधर्म्य की रही है वो दृष्टि थोड़ी उपेक्षित हो गई है पर्वती साहित्य में। वहां पर साधर्म्य कम दिखाई देता है, वहां पर वर्णनात्मकता अधिक दिखाई देती है। शायद इसीलिए कि वहां से हम प्रकृति से अलग होना शुरू करते हैं। तो बहुत थोड़े से शब्दों अनुपम जी की दृष्टि को देखते हुए मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। अगर मैंने कोई ऐसी बात कही हो जिससे आप सहमत नहीं हैं तो मैं क्षमा प्रार्थना करूंगा। निश्चित तौर पे हमारा जो प्रकृति के साथ साधर्म्य था वो कहीं बाधित हुआ और ये बात की वर्णनात्मकता देखने को मिली। हमें पुनः उसी प्रकृति के साथ उसी दृष्टि के साथ लौटना होगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी जी का इस अविस्मरणीय व्याख्यान के लिए। अब मैं प्रोफेसर सादिक को आमंत्रित करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे हैं आप। आपकी पृष्ठभूमि हिंदी और संस्कृत की है, जबकि हिंदी और उर्दू में आपका लेखन 1965 से प्रकाशित हो रहा है। मराठी पंजाबी और सिंधी भाषाओं से कई भाषाओं में आपकी रुचि है। आप महत्वपूर्ण शायर, कला समीक्षक और बहुत अच्छे चित्रकार हैं। आपकी लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हैं। मिर्जा गालिब की मुस्तवी जो कागज है जो बनारस पर आधारित है उसका आपने काव्यानुवाद किया है जो बहुत ही जल्द पुस्तकाकार छप के आने वाला है। आपने दिल्ली उर्दू अकादमी के सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आप कई प्रतिष्ठित संस्थाओं की अनेक समितियों के सदस्य रहे हैं। मैं प्रोफेसर सादिक को बहुत ही आदर के साथ शुक्रिया अनुपम जी, आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय रामकान शुक्ल जी, आदरणीय सुधांशु जी, आदरणीय हम उर्दू वाले जो है जो बात शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं से
शायरी के अंदाज में अगर ये जबान पर शेर आ जाता तो अपनी बात में एक शेर से शुरू करना चाहिए। 20वीं शताब्दी का के अंत का एक उर्दू शायर इब्ने इंशा हुआ है। इब्ने इंशा ने अपने आप से एक बार सवाल किया और सवाल करते हुए कहता है एक बार बताओ इंशा जी, एक बात बताओ इंशा जी, तुम्हें शायरी करते उम्र होगी, तुम एक जहां का इल्म पढ़े कोई वीर सा शेर कहा तुमने। तो शायरी जो है वो एक जहां का इल्म हासिल कर लेने से, ज्ञान हासिल कर लेने से नहीं आती, बल्कि दिल की जो वारदात है, दिल पे जो गुजरती है उसका जो है इजहार होता है, जज्बे का इजहार होता है। मीर का एक शेर इस सिलसिले में आता है, वो कहता है कि अपनी हालत दार बताने के लिए वो कहता है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने दुर्गी ना जाने बाप तो सारा जाने है। तो ये सारी दुनिया जान रही है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन उसी को जो है जाने ना जाने दुर्गी ना जाने, इतने मुकम्मल तरीके से बात करी है। और ये उससे बात करी है उसने कि प्रकृति के जो मजाहिर है उनके जरिए से कही है, पत्ते से बूटे से और कुल के उर्दू शायरी जो है किसी उर्दू का जो पहला शायर जो माना जाता है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की मशहूर तरीन गीतों में से जिसके तकरीबन 13 अलग अलग वर्षन जो मेरे पास रिकॉर्ड रहे हैं वो है सगन मन भूल रही पर सरसों, सुना होगा आपने, बड़ा मशहूर है वो। तो अब इसमें जो है वही आपने और इसकी जो अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ सबसे ज़्यादा जो पहेलियाँ मशहूर है, पहेलियों में से एक पहेली बनती है, एक थाल मोटियों से भरा सबके सर पे औंधा धरा, चारों ओर पर हाथ फिरे मोटी उससे एक लगे उन्होंने कहा था। तो प्रकृति चित्रण एक ऐसी चीज है कि ये किसी भाषा विशेष की, ये समझिए किसी शायर विशेष, बल्कि ये कि हर इंसान पे, क्योंकि जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। और शायर कहता है कि देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से, और इस जिंदगी में जो कुछ हम देखते हैं, तो अगर हम इसका प्रकृति के बारे में जो आप सामने की चीज़ें हैं कि आसमान सूरज चाँद सितारे हवा बादल बिजली और शफक के जाने वाला खनक, और इसके बाद फिर जमीन नदी समंदर ताल पहाड़ दरख जंगल भरपूर, इसके बाद हम मौसमों को ले लें सरमा गर्मा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब प्रकृति के बड़े सामने के मज़ाहिर हैं। वो इनको हमारे शायरों ने और शायरों ने ही नहीं बल्कि तो हमारे चित्रकारों ने भी, हमारे नृत्यकारों ने भी और दूसरी जो ललित कलाओं से संबंधित लोग हैं उन्होंने भी अपने अपने अंदाज में उससे प्रभावित भी हुए हैं और उसको अपनी व्यक्ति भी जो है अपने अपने कलाओं के द्वारा उन्होंने दी है। उर्दू में एक मसनवी एक खास सिंफ है, जैसे आपके जायसी की फरमावत है वो भी मसनवी फॉर्म में एक विदा है वो, और उस विदा में उर्दू में दो बड़ी मशहूर किताबें हैं, एक है मसनवी गुलजार नसीब जो लखनऊ के एक शायर थे दया शंकर नसीब उन्होंने लिखी थी, और दूसरी मसनवी मीर हसन के मसनवी सहरुल बयान एक शायर ने लिखी। ये दोनों जो है मस्तवियाँ ये एक दिल्ली के जो स्कूल ऑफ थाट है या स्कूल ऑफ पोइट्री है उसका नुमाइंदा समझा जाता है, और दया शंकर नसीब को समझा जाता है लखनऊ के पोइट्री स्कूल का। इन दोनों के बाद किस्सा एक ही बयान किया बोले बकावली वाला होता है, और उसमें जो है एक बड़ी दिलचस्प चीज़ एक मिलती है प्रकृति चित्रण के वो बादशाह है जिसका बेटा जाता है, तो वो बादशाह क्या करता है कि बेटा पैदा होने की खुशी में बाग एक तरफी बड़ा शानदार बाग बनवाता है, और वो जब बाग बनवाता है तो उस बाग में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कितने कितने फूल रहते हैं फल रहते हैं सारी चीज़ें, तो उसका जो वर्णन किया है दोनों ने कुछ इस तरीके से किया है कि जब क्योंकि खुशी का मौका है बच्चा पैदा हुआ है, चमन से भरा बाग गुड़ से चमन कहीं नगीसो गुल कहीं नस्तरन चमेली कहीं और कहीं मोतिया
कहीं रायरे और कहीं मोगरा, कहीं जाफरी और गेंदा, कहीं समा शब्द दाऊदियों का, कहीं बड़ी आबजू आबजू महल तो कहते हैं, बड़ी आबजू हर तरफ को बहे, करे कुमरिया सब पर चह चहे। अब यह खुशी का माहौल, अब यह होता है कि वो शहजादा खुली छत पर सो जाता है, चांदनी रात है, उधर से परी का उधर होता है, वो परियां उसको उड़ाते ले जाती हैं। और दूसरी सुबह जो शहजादे को गायब पाते हैं, बौरा मच जाता है, और बौरा मच जाने के बाद फिर उसी बात की एक तस्वीर जयशंकर नकी में और इधर शहरी बयान के जो मुसनिफ हैं वीर हसन दोनों ने पेश की है, तो उसी बात की तस्वीर को उन्होंने एकदम गम जदा कर दिया, क्योंकि आदमी का जो दिल खुश होता है तो किसी भी चीज़ को जो देखता है तो उसको खुश खुश नजर आती है, बहुत बेहतर नजर आती है, लेकिन जब उसका दिल उदास हो तो वो सारी चीज़ें जो है उसको एक उदासी पैदा करती थी, और सारी चीज़ें उदास नजर आती हैं। तो उसका जो दूसरी बार चित्रण किया वही बात है, उसका कहते हैं गमों का तो चेत जो सबका भरा हुआ बात सारा वो मातम सरा हुए खुश और गंद सारे निगार समझ के समझ में जो पाऊँ हुए पाए मार कराने की गुलगुन के जी हट गया गुरों का जिगर दर्द से फट गया तबस्तुम गया हुस्न से ऊंचा भूल हुआ कम से हसबत लहू पी के फूल उड़ा हमने नरगिस की आंखों का सब हुए बार सुनबुल के मातम की शब्द। अब उसी आजू का नहर की जो बात की वो कहते हैं लबे जुए उड़ने लगी गर्द गर्द बोले अशरफी का हुआ रंग सब। ये जो तस्वीर है यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो प्रकृति जो है ये प्रकृति तो वही है जैसी है वैसी, लेकिन इंसान का अपना दिल अगर वो दुखी है और अगर वो सुखी है, अगर वो खुश है या अगर वो रंजीदा है, तो इस उसके असरात जो है वो उस नजर से देखता है वो, और उसका अक्स जो है उस पर पड़ता है, और जबकि वो तो जैसे थी कुदरती चीज़ें वो उसी अंदर आती थी। तो ये यहाँ से जो है एक बात जो कुमार ने मुझसे कहा था कि प्रकृति और साहित्य ये रखा गया है, तो मैंने सोचना शुरू किया तो एक बात बड़ी अजीब सी लगी मुझे, वो तो ये कि जो बहुत सोचने के बाद जिस नतीजे पर पहुँचा है वो ये था कि प्रकृति के बगैर साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। कैसे लिखेगा कोई साहित्य, क्योंकि साहित्य लिखने वाला प्रकृति का एक मदर है, उसी का बनाया हुआ है वो, और उसके दिल में जो विचार पैदा हो रहा है वो विचार भी तो सारे के सारे प्रकृति को अंदाज में हो रहा है। इसके बाद ये उसकी जो कल्पनाएं आ रही हैं वो भी हो रही है। अभी जैसे दैत्य का हमने की कल्पना की तो उसमें दैत्य का क्या है, आप इंसान जैसे इंसान को क्या उसको इंदाज कर देते तो आदमी लगेगा उसको इलाज करके बड़ा बनाने के बाद लोग कहेंगे कि ये तो आदमी है, बड़ा आदमी कहते हैं उनका नहीं इसके दांत निकालो इसके सींग लगा दो, तो ये दांत और सींग ये कहाँ लेके आया, वो दूसरे जानवरों में लेके आया, और वो उसकी कल्पनाओं में से एक नई चीज उसने बनाई, लेकिन बुनियादी जो चीजें हैं वो प्रकृति की है। वो सींग उसने पहले देखे, वो दांत देखे, या उसने देश के बड़े कान बना दिए तो वो उसने देखे, या एक बॉलिंग उसने तस्वूर किया कल्पना की, तो वो बौना जो है एक आदमी को एकदम रिड्यूस कर दिया और वो बिल्कुल छोटा सा हो गया, बड़ा विचित्र लगता है वो। मगर ये जो सारी कल्पनाएं हैं ये कल्पनाएं भी मैं समझता हूँ प्रकृति का ही हिस्सा है, उससे अलग अलग कल्पना भी आदमी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता वो उससे। अभी एक किया गया था कि पहली कविता जो लिखी देखी दुनिया जानती है और को एक बहुत ही रोनक चित्र बनाया था वर्क ऑफ पोएट्री, तो उसने वो वाल्मीकि जो है उन्होंने करुण पक्षी को देखा, वो पक्षी जो है गिरा और गिरने के बाद जो है उसके दर्द में लगा कि कभी मन जो है वो तड़प उठा उसकी तारीफ से और उसके मुंह से जो चीज निकली वो निकोड़ कर दी। अब इसमें अगर आप गौर करें तो वो जो तीर चलाने वाला है वो मनुष्य है, प्रकृति का एक हिस्सा है, जिसमें तीर चलाया जा रहा है पक्षी वो पक्षी भी जो है प्रकृति का एक मदर है, और जो बीच में जो चीज जा रही है तीर, वो तीर जो है वो आदमी का बनाया है। तो सबसे बड़ी चीज ये कि प्रकृति और इंसान इस पे आज पता नहीं क्यों जिक्र नहीं किया गया, गहरोकारी तो होना चाहिए, वो प्रकृति और इंसान पर उन्होंने काफी सोचा है
और अलग अंदाज से सोचा है, भारतीय सोच में एक तरीके से बड़ा एक इजाफा किया है, नया चैप्टर खोला। तो ये जो चीज इंसान जो है, इसने जो कुछ आविष्कार किया और उस आविष्कार की वजह से उसने अपने जैसे कि आपने कहा उपभोक्ता, अपने इस्तेमाल के लिए उसने किया, अपनी सहूलतों के लिए किया, लेकिन उससे प्रकृति को क्या फायदा पहुँचाया या नुकसान पहुँचाया? दूसरी चीज, मानव का कोई इंसानियत को उसने फायदा पहुँचाया उससे या नुकसान पहुँचाया, ये एक बड़ा प्रश्न है जिसपे हमें मतलब सब सोचना चाहिए। और जब सोचते हैं तो हमें जो है लगता है कि ये ठीक नहीं किया, क्योंकि ग्रहण पक्षी का जो इस्तेमाल किया गया था तीर से, वो तीर जो है कृत्रिम चीज थी जो बनाई, लेकिन क्या कृत्रिम चीज भी जो बनाई गया, कोई भी आदमी बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट जो है वो कहता मैंने बनाया, बनाया नहीं उसने, प्रकृति में जो मौजूद चीजें थी उनको एक नई तरतीब दी उसने और उससे नई तरतीब के साथ एक नई चीज बन गई है और उसको कहता है यार कि हमने बनाया, तो उनका बनाया होने वो प्रकृति का ही एक हिस्सा है। तो प्रकृति के बारे में इस किस्म के जो सवाल हैं वो मुसलसल जो है उठना चाहिए। बड़ा अच्छा किया कि साहित्य अकेडमी ने इस पर एक प्रोग्राम किया और चाहे कहीं ज्यादा देता ही, लेकिन लोगों को सोचने का मौका मिला। मैं आपके भाषण के बारे में कुछ बात कहना चाहता था उर्दू में कि अभी एक दो शेयर तो सुना है, मैं उर्दू में प्रकृति पर लिखने वाले लोगों की शुरू से लेकर अपने बच्चों का जिक्र किया है, लगातार जो है हमें उसके किसी भी शायर काम का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो हुस्न की तारीफ कर रहा महबूब के, तो महबूब जी को जो है प्रकृति का बनाया हुआ है। इसके बाद हमारे टंडन जी ने अभी जिक्र किया था नक्षत्र वर्णन था, नक्षत्र वर्णन जो है उर्दू में बहुत ही हुआ, एक पूरी मस्करी जो है उसकी फादर अमीर रखल की है और वो सिर्फ जो है सबसे पाँव तक महबूब का सराहा या उसका नक्षत्र बयान किया गया है और जो अंदाज बयान किए हैं वो सारी जो है ये भी प्रकृति की चीज़ है, लेकिन पूर्ण से रखों से कहाँ कहाँ से जमीन ले जाए। और हमें मुझे याद आता है कालिदास उपमा, कालिदास से जो कहा जाता था कालिदास से यहाँ रहा कि कालिदास के प्रकृति जो है जैसा कि हमारे दीप्ति जी ने भी कहा और सुधांशु जी ने भी कहा और ये तो बहुत संस्कृत भाषा के बात हुए हैं और हमारे अशोक जी बैठे हुए हमारी तरफ देख रहे हैं इस बात कि क्या कुछ करने वाला है। तो कुमार संभव ये मैंने पहली बार पढ़ा था स्कूल डेज में, मैंने कालिदास का क्लिप पढ़ लिया था। कारण ये कि सूर्यनारायण व्यास जैसे प्रभुभूषण वो मेरे बड़े भाई के दोस्तों में और वो कालिदास के अक्षर मेरे भाई भी जो है कालिदास का अक्षर है, कालिदास के सारी पुस्तक मेरे वहाँ हैं। मेरा जो है जो दिन से मेरे स्कूल डेज के मैं नवी दस के बाद करते हैं तो सारे के सारे ट्रांसलेटर मैंने पढ़ाए और उन चीज़ों में जो है पाई जो चीज है और जिस पर बाद में मैंने लगा और किया वो ये प्रकृति चित्रण की ऐसी अद्भुत मिसाल मैं समझता हूँ कि किसी और कभी की बात नहीं, कम से कम मुझे इतना पता नहीं है, सारे कवियों को मैंने पढ़ा भी नहीं। तो जैसे ऋतु चिन्हाव, ऋतु चिन्हाव में मौसमों के ताल्लुक से लेकर के जो कुछ दिल की कैफियत भी बयान किए, बाहर की कैफियत भी बयान किए, प्रकृति चित्रण की संदर्भ में हुआ है भूला जो मैन कुतुम का बात बार जिक्र हुआ, मैन कुतुम में जो बादलों का मुख्तलिफ शक्लें बना रहा और बादल आदमी देखता है बादलों के बदलती भी शक्लें और उस शक्ल में जो है ऐसा लगता है कि कोई जैसे हाथी सा जो है वो पहाड़ को की चोटी से जो है गिर रहा और फिर उसने जी नहीं रहा इसको जो है उसको मैन को अपना दूध बनाकर भेजे और दूध बनाना क्या मुझे इस बात को जानता था लिखा दिए। तो ये जो है कहाँ पानी हवा उससे बना हुआ मैं और कहाँ जो है मेरा तो ये जिनके बहलाने की बातें होती हैं अपने कुछ अभिव्यक्ति की बातें होती हैं तो जिस तरीके से अधिक की उसने उसमें अगर प्रकृति को निकाल दिया जाए तो मैं क्योंकि कुछ भी नहीं बचेगा, मैं भी नहीं बचेगा मैं तो कुछ नहीं बच सकता उसमें। इसी तरह कुमार कंभव रघुवंशन, कुमार कंभव पर जो चीज मुझे बहुत ज़्यादा अपनी की थी और कभी भूली नहीं जा सकती वो है हिमालय का वर्णन। हिमालय वर्णन जो है मैं समझता हूँ कि उस अंदाज का मैं यशपाल को बड़ा मानता हूँ, यशपाल ने हिमालय की बड़ी राजभवन लिखी है, लेकिन कालिदास ने जो हिमालय वर्णन किया है तो वही समझिए कि आपको अपने अंदर से जो है
अजीब सा जज्बा जो है वो तारी कर देता है। अब ये जो चीजें चली जाती मराठी के कोई महानो आज 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में हुए उस चीज़ जो मामूली मामूली चीजें रहेंगे मामूली मामूली पेड़ पौधे को लेकर और मिट्टी को लेकर दरख्तों को लेकर और इनको लेकर तो अपनी कविताओं कविताएं जो रची मराठी के एनिमेशन को लेकिन वो कविताएं जो है वो आपको नेचर के साथ जबकि हम नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं हमें पता नहीं रहता कि कब सूरज निकला और कब वो डूबा हम दफ्तरों में अपने घरों में रहते हैं हमें कभी पता नहीं चलता नेचर से हम दूर रहते हैं और कब चांद निकला कब वो चला गया चांद के बारे में मुझे याद आया कि मैं उज्जैन का रहने वाला था गौरी शंकर पिछलू नाम के एक कश्मीरी कमिश्नर थे म्यूनिसिपल कमिश्नर उन्होंने जो चांदनी देखी वहाँ की मालवा की और मालवा की रातें शर्मा मालवा मशहूर थी तो उन्होंने ये कहा कि जिन दिनों चांद इतनी रातें हों तो उन दिनों ये बंद कर दिए जाए स्ट्रीट लाइट सारे बंद कर दिए जाए जरूरत ही नहीं ताकि चांदनी के साथ रूबरू हो सके लोग तो हम जो है उसी जमाने में लेकिन हमसे पहले एक आदमी और था जिसका नाम था गजानन माधव मुक्ति बोर्ड वो भी उन सड़कों में घूमा रहा उसने भी वो चांदनी देखी थी और उस चांदनी को देख कर जो चीज निकल कर आई लिटरेचर को जो तोहफा दे गया वो एक चांद का मुंह टेढ़ा है उसकी एक लंबी कविता जिसकी उसके कलेक्शन में जो है संकलन कविता संकलन भी इसी नाम से है उसमें जो है मैंने और किया इसमें प्राकृतिक चित्रण किस तरीके से तो उसमें बरगद की कवित है सारी चीजों का है और नई कविता का आदमी है नई कविता का आदमी जो प्रकृति चित्रण करेगा वो तो सारी चीजों को तोड़ कर तोड़ के चले जा रहे थे 50 के बाद के पॉइंट तो उसने चांद का मुंह जो है टेढ़ा किया लेकिन है चांद प्रकृति उसने बरगद के साथ कुछ और कौवा को बिठा दिया तो चाहे वो कौवा हो चाहे बरगद हो वो सब है प्रकृति चीज उसने तालों का चित्र किया ताल ताल पे तो यह सारी चीजें तो उन सारी चीजों से हम अल्टीमेटली इसी में से बहुत सी बात और याद आ रही मुझे कि मैं तो पोइट्री पोइट्री का ये कर रहा हूँ उर्दू में दास्तान में बहुत देखी जाती है और दास्तानों में एक चीज उनकी हजारों की और जरूरत की लड़ाइयों और उनके उसूल ये थे कि सुबह से लड़ाई शुरू होती थी और शाम होते जब सूर्यास्त होता था तो अपनी सारी चीजें रख देते थे इसके बाद जंग नहीं होती थी रात को आराम करते थे और दूसरी सुबह जब सूरज तो का उदय होता था सूरज निकलता था उस वक्त फिर अपने हथियार संभालते थे जंग शुरू होता था अब ये दास्तान वो जो है दास्तान लिखने वाले बयान करने वाले जब दास्तानों का शुरू करते हैं तो उन्हें एक नए दिन की नई दास्तान शुरू करना है तो सूर्य का निकलना सूर्य का उदय होना ये हर दास्तान में अलग अलग अंदाज में है एक दास्तान में जैसे 7 दिन की जंग बताई 7 दिन तक जो सूरज निकलते हुए बताया तो पहले दिन जो सूरज निकला था वो दूसरे दिन नहीं निकले वो दूसरे अंदाज में तीसरे दिन तीसरे अंदाज में बड़ी बहुत ही अलग पीछे है मैं समझता हूँ कि काम होना चाहिए काम इस पर होना चाहिए या बात के फिक्शन में जो है पिक्चर में भी हटके का कहीं भी आप देखें तो हर भाषा में भी आपको मिलेगा कि इसका प्रकृति चित्रण बहुत ही जबरदस्त हुआ लेकिन मौसमों को लेकर प्रेमचंद ने पूछ की रात में जो सीखा है तो ठंड जो है इंसान के जिस्म के अंदर घुसती है उसको परेशान करती है उसका कुत्ता है वो किस तरीके से परेशान होता है फिर ढोर आकर उसके पेट चढ़ते हैं बड़ी अजीब और एक चीज़ है और इस सारी चीज़ को आप एक प्रकृति के उसमें दायरे में जो है रखकर देखेंगे तो एक अलग ही उसका लुत्फ आना शुरू होगा दोबारा मैं अपनी बात खत्म करने से पहले ये बात करूँ कि अब एक उर्दू के शायद जोश ने एक बड़ा अलग का शेर कहा प्रकृति चित्रण उसने भी बहुत किया है बाद में भी बहुत जोश ने जो एक शेर कहा था हम ऐसे 12 कशों को सबूत हक के लिए 12 कश राज क्यों कहते हैं हम ऐसे 12 कशों को सबूत हक के लिए हक आप सत्य को दे सत्य के सबूत के लिए अगर रसूल ना होते तो सुबह काफी थी अगर पैगंबर साहब नहीं आते तो भी सुबह का मंजर जो है वो काफी था सुबह का और देख करके हम ईमान ले आते वो हक को या सत्य को मान लेते धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर सादिक
बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपने उर्दू शायरी और उर्दू दास्तान के बारे में प्रकृति की उपस्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति की दो बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया है। एक तो हिंदी काव्य परंपरा में भारत के हिमकिरीटी हिमालय का सौंदर्य और ऐश्वर्य विषय पर आपने शोध किया और इसको भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय द्वारा कनिष्ठ शोध अधिकार दी गई, और दूसरा काम बिहार की नदियों का सांस्कृतिक अनुशीलन, इस पर भी मंत्रालय ने इस शोध पर भी आपको कनिष्ठ अध्येता व्यक्ति प्रदान की। इसके अलावा आपकी लगभग 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। साहित्य अमृत के उप संपादक रहे, विश्व प्रसिद्ध सामाजिक सेवा से जुड़ी हुई संस्था सुलभ इंटरनेशनल से संबद्ध हैं और चक्रवात तथा सुलभ इंडिया के सह संपादक तथा सुलभ साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी। गोष्ठी की अध्यक्ष माननीय डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी, मुख्य अतिथि पद्मश्री रामकंत शुक्ला जी, प्रोफेसर सुधांशु चतुर्वेदी जी, पूर्व डॉक्टर पूरन टंडन जी, प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सादिक साहब, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, डॉक्टर अशोक वालिया जी, मेरे दस्तूर और दिखे में मेरे प्रारंभिक जीवन से अभिभावक अच्छा सुब्रमण्यम जी, रमाकांत पूनम जी, कुमार अनुपम जी और आप सब। वस्तुतः प्रकृति और साहित्य के संबंध में बहुत सारी बातें की गई और जैसा कि अनुपम जी से मेरी बात हुई थी, हिमालय पर केंद्रित मेरा प्रबंध है हिंदी काव्य में हिमालय का सौंदर्य अवश्य। उससे पूर्व दो बातों की ओर मेरा ध्यान गया जब आप लोगों को सुना मैंने। मान्या दीप्ति जी जब सूर्य और चंद्रमा की बात कर रही थी एक अस्त और एक उदय होने की, तो मेरे सामने निरा की एक पंक्ति है, बहुत ही अच्छी पंक्ति, और उपमा के रूप में नायिका का वर्णन, नायिका के किशोर का वर्णन, खुले केश अशेष शोभा बट रहे बादलों से घेर जीवन दिखता। सूरज है बादल धीरे 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 सूरज को ढके जा रहे हैं और उससे जो सुंदरता निकल रही है वो नायिका के बाल जो उसके चेहरे पे है वो उस सुंदरता से उसकी उपमा की जा रही है कि खुले केश अशेष शोभा बट रहे बादलों से घिर जी दिखता है। ये पंक्ति और ईंट कंकर और उसकी बात की माननीय पूरनचंद टंडन जी ने, तो मेरे गुरुवर आचार्य शांतिदेव जी कहा करते हैं, यह महल कितना भी खड़ा क्यों न कर ले लेकिन हम जीते आकाश नहीं है, हम जहाँ बैठे हैं इस खुले आकाश में, हम इस खुले आकाश में सांसें ले रहे हैं और वायु ग्रहण कर रहे हैं, हम ईंट और कंक्रीट में नहीं जी रहे हैं, यहाँ कुर्सी पर बैठ कर भी हम खुले आकाश में हैं। जीना तो हमें प्रकृति के साथ ही है, प्रकृति ही हमें जिंदा रखेगी जैसा कि दीप्ति जी ने कहा। तो प्रकृति के साथ हमारा संबंध रहा है और प्रकृति के बिना मानव का जीवन ही नहीं, प्रकृति है तभी हमारा जीवन है। बहरहाल समय कम है और कालग्रस्त होते हुए भी, जैसा कि बार बार सुधांशु जी कह भी रहे थे, कालग्रस्त होते हुए भी इस परिसंवाद के कालजयी वक्ता वही रहे हैं और उनको सुनकर अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत बधाई आपको, पहली बार मैंने सुना मुझे अच्छा लगा। प्रकृति ने मानव के निर्माण में युग युग का समय लगाया, प्रकृति के अथक प्रयास के पश्चात आज मानव विकसनशील स्थिति में, तत्पश्चात मानव ने भी प्रकृति के प्रति पूरी कृतज्ञता दिखाई, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल सबको देवत्व की भावना से देखा, सब में देवता का अधिवास माना। वस्तुतः किसी न किसी रूप में विश्व की अनेक सभ्यता में प्रकृति गुजर गई है,
यहीं तक नहीं रहे, पृथ्वी के अन्य प्राणी जगत और जीव जगत को भी उतनी ही महत्ता दी गई। मानवीय कृतज्ञता का यह रूप भारतीय साहित्य में पूरी मुखरता से उतरी। इसमें पर्वत, वन, नदी, समुद्र सबकी गाथा गाई गई है। ऋग्वेद में कामना की गई है, राजा समुद्रांश चतुरो समभ्यम सोम विश्वता आप अवश्य सहिष्य। हे सो, समृद्धि से पूर्ण चारों समुद्र और सहस्त्रों कामनाएं हैं। समय का अभाव है, इसलिए मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। उसी तरह माता भूमि पुत्र अहम पृथ्वी की बात करिए। फिर असर्वेद की पंक्ति है, गृहस्थ्य पर्वत हिम बंतो अरण्यंते पृथ्वी सेवन वस्तु। हे पृथ्वी, तेरे पर्वत, तेरे हिमावृत शब्द, तेरे अरण्य सुखदायक। इसी तरह प्रकृति के अन्य उपांगों अंगों उपांगों की प्रति भी पूरी श्रद्धा रखी गई, उन्हीं में एक है हिमालय। भारतवासियों के लिए हिमालय केवल पर्वत राशि नहीं है, यह देवतात्मा साक्षी पुरुष संस्कृति समुच्चय और पुरुषों की अतीतागत परंपरा की श्रृंखला रखती है। हिमालय के आसपास के क्षेत्रों एवं पौराणिक साहित्य में जो आख्यान हिमालय के हैं उसने इसे राष्ट्र में बना दिया। हमारा धर्म, दर्शन, काव्य सबने उसकी गाथा गाते गाते उसे आत्मसात कर लिया है, और इसीलिए हिमालय धार्मिक मनस का उदात्तम स्थल है। इससे निकलकर जलाप्लावित नदियां पूरे देश की संस्कृति और कृषि को नियंत्रित करती है। यही ऋषियों का साधना स्थल है। लोगों का मानना है कि यहाँ हजारों वर्षों से ऋषि मुनि अब भी तपस्या में लीन है, उनसे मिलने का दावा भी किया जा रहा है। हिंदी साहित्य के वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी ने यह स्वीकार किया था कि वे तपस्यारत ऋषियों से मिले थे। हिमालय जड़ी बूटियों का अथा भंडार भी है। हिमालय की महत्ता को रेखांकित करती हुई महेशी महादेवी वर्मा कहती हैं, जिस प्रकार गंगा, यमुना और अंतः सलीला सरस्वती के बिना हमारे महादेश के सदर पर रसमय हृदय की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार अब ढंकस हिमालय के बिना देश की उन्नत मस्तक की कल्पना संभव नहीं है। वस्तुतः हिमालय भारतीय संस्कृति के हर नए चरण का आत्मसाथी रहा है। भारतीय जीवन उसकी उजली छाया में पलकर सुंदर हुआ है, उसकी शुभ ऊंचाई के ऊंचाई छूने के लिए उन्नत बना है और उसके हृदय से प्रवाहित नदियों में घुलकर घुलकर निकला है। हिमालय ऋग्वेद के ऋषि का हिमवंत है, तो आदिकवि वाल्मीकि का शहर है। महाभारत का हिंसा से विजय प्राप्त क्षुद्ध पांडवों को हिमालय की शीतलता में समाधिस्थ कर देता है। महाकवि कालिदास ने उसे देवात्मा कहा है, तो पृथ्वी का मानदंड हो गया है। महाशिव पुराण में उसे समृद्धिशाली क्रियायुक्त एवं महान बताया गया है। आदि पुराण में उसे अतिउच्च श्री संयुक्त और पर्वतों में प्रमुख माना है। गीता में श्री कृष्ण ने स्थिर रहने वालों में स्वयं को हिमालय कहा है। विष्णु पुराण में यज्ञ में भाग लेने के लिए पर्वतों की अधिपति हिमालय की सृष्टि की गई। मत्स्य पुराण में नगाधिराज का गरिमा में उल्लेख हुआ है, सतत विशाल शरण स्थल उदात्त जनों से रत्न संपत्ति से श्रेष्ठ इस महान पर्वत का कोई महान जन ही दर्शन करता है। महाकवि ने कृतार्जुनीयम में हिमालय की सुंदरता को तीनों लोगों के दाह का दान बताया है। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, जिस सुंदर और ऐश्वर्य सौंदर्य ऐश्वर्य शब्द को मैंने दिया है उसकी भी व्याख्या है कि सौंदर्य और ऐश्वर्य क्यों। संस्कृत के विद्वान ऋषि लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा बोलना बहुत उपयुक्त नहीं है, समय का थोड़ा अभाव, लेकिन चूंकि मेरा यह विषय सौंदर्य और ऐश्वर्य, मैंने हिमालय को लेकर एक खास अध्याय रखा, क्योंकि कई अध्याय धार्मिक स्थल के रूप में अलग अध्याय है, प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसका अलग अध्याय है, सांस्कृतिक स्वरूप का अलग अध्याय है। तो सौंदर्य ऐश्वर्य के स्वीकृत समानार्थ तो हैं, इनके आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ भी है। ऐश्वर्य पुरुष जबकि सौंदर्य प्रकृति की बात की गई और सौंदर्य की भी बात की गई, सुधांशु जी ने की और पूरन चंदन जी ने भी की थी। ऐश्वर्य का अर्थ संपत्ति मात्र नहीं होता। इस धातु में वर्ज प्रत्यय लगाने से ईश्वर शब्द होता है, फिर ईश्वर में क्षय प्रत्यय लगाने से ऐश्वर्य शब्द का निर्वचन होता है। अतः ऐश्वर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर की ईश्वरीयता, स्वामित्व, ईशित्व, दिव्यता, ईश्वरीय महिमा और अलौकिकता। सौंदर्य सुंदर शब्द में क्षय प्रत्यय लगाने से बना है, जो प्रकृति का प्रतीक है। यही प्रकृति तत्व है। पुरुष यानी परमात्मा और प्रकृति के मेल से सृष्टि होती है। इन दोनों के प्रतिनिधि देवता हैं शिव और शिवा, जिनका निवास हिमालय। ये दोनों अर्धनारीश्वर रूप में यहाँ विराजमान होते हैं। शिव सीमा पर
अथवा पुष्प प्रकृत्यात्मक ऐश्वर्य सुंदर का यह समीकरण केवल हिमकेट हिमालय पर है। महाकवि कालिदास ने इस अर्धनारीश्वर स्वरूप को वागर्थ के रूप में संपृक्त माना है और उन्होंने रघुवंश में लिखा है, वागर्थ संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति जगत पितर वंदे भागवती परमेश। वहीं दूसरी ओर कुमुद पुष्पों के समान उज्जवल हिमालय की चोटियां ऐसे फैली हुई हैं मानो वह नित्य प्रतिदिन एकत्र होता हुआ शिव का अट्ठास हो। श्रृंग श्रय कुमुद विशद दर्यो वितत्य स्थित हम राशि होता प्रतिदिन त्रमकस्य अट्ठास। हिमालय में जो सौंदर्य है उसमें ऐश्वर्य भी है, उसी तरह जो ऐश्वर्य है उसमें सौंदर्य भी है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, हिमालय ईश्वरीय सौंदर्य है अथवा सुंदर ऐश्वर्य है। यही नहीं, हिमालय दोनों का सम्मिश्रण भी है और यही इसकी विशिष्टता और विलक्षणता है। सौंदर्य सौंदर्य शास्त्र का सत्य है, हिमालय में दृश्यता का सौंदर्य। बहुत कुछ कहने के लिए है और समय नहीं है। मैं जैसा कि अनुपम जी के लिए कहा भी जा रहा था, मैंने जब पीएचडी की थी तो उसमें एक विषय था निशांतकेतु की कहानियों में देहानुभाषा, तो उनकी पूरी कहानियाँ जहाँ जहाँ देहानुभाषी आधारित है उसको रेखांकित किया है मैंने। तो मैंने भी अनुपम जी के उसे देहांग का थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है, कितनी परेशानी है उनके ऊपर और मुझे भी अब नैतिक बोध लग रहा है कि इतना समय है नहीं। बहरहाल विद्यापति की पंक्ति, एक शरीर दुईवास खन वैकुंठ खन ही कैलास। तुलसीदास जी कहते हैं, जब ते उमा सह गिरी जाए सकल सिद्धि संपत्ति तछाण जह तर मुनि सुआश्रम किन्न उचित वास ही उदर देंगे। हिमाद्री कृष्ण से बात आई प्रसाद जी की, अल्लामा इकबाल की बात आई, वो तो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ही, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम सारा आसमान का। उसके आगे भी महाकवि इकबाल ने हिमालय में दृश्यता के सौंदर्य का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वर्ग हिमालय के सम्मान की पगड़ी है और वह उसकी टोपी की सूर्य पर हंस रही है जिसके प्रकाश से सारा जगत ज्योति प्रकाशित होता है। बर्फ ने बांधी है दस्तारे फजीलत तेरे सर, खंदाजन है जो कुलाहे मेरे आलम ताल पर। इस देश की संस्कृति ऋषि मुनियों का वरदान है। ऋषिगण वर्षों हजारों वर्ष तपस्या रत रहे हैं, वे राष्ट्र कल्याण विश्व कल्याण और आत्मज्ञान के लिए सदैव तपस्या में लीन है। आंधी पानी अग्नि विपरीत मौसम कुछ भी उनके लिए बाधक नहीं रहा और तभी यह मानव जीवन है। राष्ट्रकवि मैत्री चंद्रगुप्त ने हिमालय की तुलना इन्हीं विषयों से की है। हिमालय में मुनित्व का ऐश्वर्य है, सिद्ध योगी सा समाधि निमग्न रह भूमि से उठे गगन से संलग्न। हमने दिन भर की यात्रा की है, शरीर थकान से चूर चूर है, घर पहुंचते ही कुछ कम होती है या फिर घर में यदि पत्नी है तो थकान का एहसास 75% खत्म हो जाता है। पर यदि माँ की गोद मिल जाए, माँ के हाथ का स्पर्श मिल जाए तो सारी थकान खत्म हो जाती है, तब सिर्फ मात्र छाया की शीतलता होती है। महाकवि जयशंकर प्रसाद का हिमालय मातृत्व की गरिमा है, मातृवत स्नेह है, मातृवत ऐश्वर्य है, मातृत्व का सौंदर्य है। शम ताप और पथ गिरा क्षण भर में थे अंतर्हित, सामने विराट धवल अपनी महिमा से उमा शंकर वर्मा की कविताएं हैं, राम रेश त्रिपाठी की कविता है, गोपाल सरन सिंह ने हिमालय के बारे में लिखा है, कवि गुरुभक्त सिंह भक्त ने लिखा है, राम गोपाल सिंह राकेश की पंक्तियां हैं, जगदीश गुप्त की पंक्ति है और बहुत ही अच्छी पंक्ति है। हिमालय के सौंदर्य ने उन्हें आकर्षित किया, वे लचाई दृष्टि से हिमालय के वन प्रांगणों को निर्भय होकर देख रहे हैं। हिमालय की सुंदरता की दिव्यता ने उन्हें अपने में इतना आत्मसात कर लिया कि उनकी आंखें भर गई। पूर्ण व्यंजना में लिखी उनकी पंक्तियां हैं, अटकी ही रही बीट वह हिमगिरी मालूम डीठ, मेरे ही आंसू के झीने पर कोट छिपी, देखता रहा जी भर दी नहीं दिखाई, आंख भर देखा था। गुप्त जी ने अपने काव्य संग्रह हिमबद्ध में भी हिमालय के बारे में लिखा है। नरेश मेहता ने लिखा है महाप्रस्थान में,
निराला की पंक्ति, और जैसे प्रकृति से अभी बात की गई कि हम प्रकृति में देवत्व भी देखते रहे, हिंदी कविता में पुरुष निराला ने रहस्यवादी तत्व को उजागर करते हुए परमात्मा और मनुष्य में हिमालय और सरिता से संबंध बताया है। हिमालय यदि पुरुष है तो सरिता प्रकृति, और पुरुष तथा प्रकृति के संयोग से सृष्टि का निर्माण हुआ है। वे कहते हैं तुम हिमालय श्री हो, मैं चंचल रहते से। कवि उपेंद्र सिंह रावल मूलतः मानव प्रेम के कवि हैं। नई कविता के मानदंड पर उनकी कविताएं प्रशंसित हुई है। उनके गीतों में उजास प्रेम भावनाएं हैं। हिमालय के बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा है, मैंने लंबी व्याख्या की है, उनकी इस दो पंक्ति की कविता थी, लेकिन समय नहीं है। बहरहाल हिमालय तुषारखंड है, और यह तुषार राशि या शीतलता उनकी संगनी के हृदय में है। अपनी कविता बस मैं तो एक चकोर हूँ में लिखते हैं, प्यार अपार देखा तुमने, संसार सकल देखा तुमने, हृदय हिमालय सुर सरिसा बहता झरना देखा तुम्हें। देख कर सुख मिलता है कश्मीर सुरुचि हरियाली का, झीलों से नैनों में हरदम बहता झरना खुशहाली का। और रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति, मेरे नेपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष की पूंजी पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी की हिम ग्रीट, मेरे भारत के दिव्य भार। और वहीं पर प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी जी की का वह सावधानता वाली मुद्रा मुझे ध्यान में है। रामधारी सिंह दिनकर ही हिमालय के संदेश में लिखते हैं कि प्रकृति के प्रति हम जो अन्याय कर रहे हैं, कभी प्रकृति हमें बुलाएगी। तो बहुत अच्छी पंक्ति है, पूरी लंबी कविता है हिमालय का संदेश। तो उसमें दिनकर ने सावधान भी हमें किया है कि हम प्रकृति के साथ संभाव बना के रखें। अंतिम में भर्तृहरि की पंक्ति से अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि भर्तृहरि ने वैसे व्यक्ति को सब कुछ त्याग कर हिमालय पर तपस्या में लीन हो जाने के लिए कहा है जिसका सब कुछ लूट चुका है। माने मलयाली खंडिते च वसुनि व्यर्थे पर्याप्त्यर्थिनी, क्षीणे बंधुजने गते परिजने, नस्ते समय यौवने, युक्तम केवल मेतदेव सुधियाम यज्जहं कन्या पाया, उत ग्रावी ग्रीन ग्रीन कंदर तटी कुंजे निवास अर्पचित। जिसका सारा अभिमान गल गया, समस्त धन वैभव समाप्त हो गया, जिसके दरवाजे पर याचकों की याचनाएं व्यर्थ जाए, कितनी बड़ी बात है इसमें आप देखेंगे। जिसके दरवाजे पर याचकों की याचनाएं व्यर्थ जाए, दुर्दशा भोगते समय सभी सगे संबंधी छोड़कर चले जाए, नौकर चाकर भी छोड़ दे, तो यह सोचकर कि हमारी जवानी धीरे धीरे ढल गई है, इस दशा में बुद्धिमानों का यही कर्तव्य है कि गंगा जल से जिसकी शिलाएं पवित्र होती हैं, उस गिरिराज हिमालय की किसी कंदरा के समीप कुंज में निवास। हिमालय के महत्व को अनेक दृष्टियों से समझा जाता है, औषधि अध्यात्म भौगोलिक सीमा भौतिक संपदा प्राकृतिक सुषमा धार्मिक स्थलों की दिव्यता आदि के आधार पर। यहाँ हिमालय के गौरव और गुरुत्वाकर्षण तथा सौंदर्य और ऐश्वर्य को कुछ का दृष्टांतों के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयत्न किया गया। कविता ऐश्वर्य का आख्यान और सौंदर्य की संप्रेषणीयता है। इस दृष्टि से कविता के आलम्बन के लिए हिमालय से अधिक उपयुक्त और कोई उपजीव्य नहीं हो सकता। साहित्य की सभी विधाओं में कविता अपनी अनावी और निश्चित अभिव्यक्ति में सर्वोत्तम मानी गई है। यहाँ बौद्धिक विश्लेषण के स्थान पर हार्दिक अभिनंदना होती है। हिमालय पृथ्वी के सर्वोत्तम स्थान के साथ अचलाम्बर का सेतु बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार ज्योति जी, अपने हिमालय को किस रूप में हिंदी साहित्य में प्रस्तुत किया गया उस पर बहुत ही विस्तार से बताया। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्कृत और हिंदी के ऋषि आचार्य श्री रमाकांत शुक्ल जी को आमंत्रित करूँगा। आपने हिंदी विषय में एमए किया और संस्कृत विषय में स्वर्ण पदक के साथ एमए की उपाधि प्राप्त की। 1967 में आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपको संस्कृत पाली प्राकृत और अपभ्रंश का भी ज्ञान है। आपने ऑल इंडिया और इंटर कॉन्फ्रेंस में क्लासिकल संस्कृत आधुनिक संस्कृत साहित्य प्राकृत और जैनिज्म सहित भारतीय सौंदर्य शास्त्र और छंद शास्त्र पर आधारित सत्रों में प्रतिनिधित्व किया है। आपने देश और विदेश के अनेक विश्व संस्कृत सम्मेलनों में भागीदारी की है। आपकी अत्यंत चर्चित काव्य कृति है भारतम।
इसके अतिरिक्त आपकी कई कृतियां प्रकाशित हैं। 1963 में आपकी रचनाओं का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन से हो रहा है। आपको कालिदास सम्मान, संस्कृत साहित्य सेवा सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। कई संस्थानों ने आपको संस्कृत राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया है। अर्वाचीन संस्कृतम के आप संस्थापक प्रधान संपादक हैं। वर्ष 1909 में आपको महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति सम्मान से विभूषित किया गया। आदरणीय श्री रमाकांत शुक्ल जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, बीज भाषणकर्ता, विविध भाषाओं के बहुत ही गंभीर और समर्थ अध्येता और आलोचक डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी जी, मध्यकालीन हिंदी काव्य के और मध्य विद्वान प्रोफेसर पूरन टंडन जी, और साथ ही अनुवाद के माध्यम से साहित्य की सेवा करने वाले हिंदी उर्दू संस्कृत कविता समालोचना के मर्मज्ञ विद्वान प्रोफेसर सादिक जी, संस्कृत व्याकरण की बहुत ही उच्च कोटि के विदुषी डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी जी, हिमालय के विषय में अनेक दृष्टियों से जिसमें साहित्यिक दृष्टि भी सम्मिलित है, अध्ययन अनुशीलन करने वाले प्रोफेसर अशोक ज्योति जी, हम सभी के सौभाग्य से अशोक ज्योति जी के बराबर बैठे हुए पूर्व कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अशोक कालिया जी, मेरे सभी आदरणीय श्रोतागण, विद्वज्जन, अतिथिगण, वैसे तो ये कहा गया है कि अगर समझदार व्यक्ति हो तो सभा में अपना मुंह ना खोले, कान खोले रखे, लेकिन फिर ये भी कहा गया है कि चेला था, उसके गुरु ने कहा देख भाई यहाँ है विद्वानों की सभा, विदुषां समवायोत्र तिष्ठति, त्वां माने तुझको, अस्मि माने मैं, वो नहीं है मतलब, मैं बता रहा हूं त्वां अस्मि विदुषां समवायोत्र तिष्ठति, तो यहाँ जो विद्वान बैठे हैं वो सिखा के लाया होगा जितना चेले को याद था, तो क्या अब मैं कुछ नहीं कर सकता इससे आगे, तो आत्मीया मतिमास्थाय स्थिति मत्र विधेयता, भैया जो तेरी बुद्धि हो उसके आधार पर अपनी इज्जत बचाना, तो हमें तो बुद्धि भी नहीं, लेकिन इतने अच्छे वक्तव्य सुनकर के जो मेरा बुद्धिहीन होगा वो भी बहुत समझ जाता है। अनुपम जी ने इतने अच्छे अच्छे विद्वान यहां आमंत्रित किए कि उन्होंने प्रकृति और साहित्य के अंतर संबंध वेदों से लेकर आज तक जितना समय हुआ उसमें वे चाहते तो कई कई दिन बोल सकते हैं, उसका आपको बता दिया। दीप्ति जी ने कह दिया कि प्रकृति मनुष्य पर आधारित नहीं है, मनुष्य प्रकृति पर आधारित है, कही थी ना, यही सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप ये समझना ये अर्ध सत्य है। प्रकृतिम विना पुरुषो
वृथा, और पुरुष के बिना प्रकृति व्यर्थ है। इसलिए सांख्य में भी इन दोनों का एक न्याय बताया है, पंगवंध न्याय। जैसे दो दिव्यांग भाई मिल गए हो, एक पैरों से लाचार था, एक आंखों से लाचार था, और जाना था उनको मंजिल मकसूद तक, लक्ष्य तक पहुंचना था, तो उन्होंने एक अनुबंध किया जो दृष्टि बाधित थे। उन्होंने कहा भाई हे पैर बाधित, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और मैं तुमको कंधे से ले जाऊंगा और तुम मुझे रास्ता बता दे देने कि सीधे चलो, बाएं चलो, आगे चलो, तो हम दोनों पहुंच जाएंगे। हम ही जब नहीं, फिर तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। प्रकृति नहीं है तो आदमी बेकार है, आदमी नहीं है तो जंगल के पौधों को तो भगवान जी सींच देगा, लेकिन जो उद्यान के लता हैं, पौधे हैं, उनको तो पार्वती सींच देंगे। अतंद्रिता सा स्वयमेव वृक्षतान घटस्तन प्रसरण व्यवर्धयत गुहोपि येषां प्रथमाप्त जन्मनाम न पुत्र वात्सल्य उपाकरिष्यति। इसका आपने संकेत किया, सोदर के समान स्नेह, अरण्य है, उपवन है, इनमें अरण्य तो ठीक है, वहां प्रकृति अपना काम चला लेगी, लेकिन जो बगीचे के पौधे हैं, घर के पौधे हैं, बरामदे में लटके हुए गमले हैं, छत पर रखे हुए हैं, उनको तो आपको अगर आपने ना किया तो वो मर जाएंगे पौधे। दोनों का अंतर संबंध है। क्यों सर, अब तो बात बन गई। अब रही बात, सबने ये बात कह दी है कि वेदों से लेकर अब तक प्रकृति क्या है, ये आठ चीज है जो कालिदास जी ने कह दिया। विज्ञान शकुंतल के शुरू में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूरज चांद और मैं आत्मा जी, इन्हीं में ही सब आ जाएगी। इसीलिए इनसे संबद्ध ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नेत्र इंद्रियां हैं और विषय है रूप शब्द, इनमें ये चीज जो पांच तत्व बताए, इनमें दो किसी का बुरा नहीं करते, एक धरती एक आकाश, इसलिए इनकी माता पिता से तुलना की जाती है कि धरती माता, माता गुरुतरा भूमि, माता धरती से भी अधिक गौरवशाली है, और पिता उच्चतर चखात। अब आकाश ऊंचा नीचा तो होता नहीं, लेकिन जैसे नील गगन कहते हैं आकाश को देखो तो कोई कहते नीचे भी तो आकाश है, वो ऊपर ही देखता है, इसलिए लक्षणा इस सबसे ऊंचा आकाश पिता उतना ऊंचा। वो संतान का कोई कोई दुष्ट होता होगा जो अपनी औलाद को मारना चाहता हो, लेकिन तेज वायु आकाश इनके रौद्र रूप भी होते हैं और सौम्य रूप भी होते हैं। इसलिए मैंने भारती में वर्तमान रौद्र और सौम्य दोनों रूपों से जो प्रकृति जहां भी रह सकती है, बाहर आएगी धरती दिखा देगी अपना वो जल दिखा देगा कि मैं कितने नुकसान कर सकता हूं। तेज होगा, धूप ज्यादा होगी तो वो बता देगा कितने लोगों को मैं मारूंगी, और वायु होगा तेज तो वो बता देगा कितने पेड़ों को मैं गिरा दूंगा, तूफान आएगा। तो इन चीजों को, इन प्रकृति के साथ मनुष्य का सामंजस्य बना रहे, इसके लिए अध्यात्म है, इसके लिए साहित्य है, और इसी के लिए आयुर्वेद है।
वो भी जो त्रिदोष ज्ञान करता है वात पित्त कफ, वो इसी में जो आपके जल है, वायु है, अग्नि है, कि ये बने रहे ठीक ठाक, और प्रकृति की साम्यावस्था ठीक ठाक चलती रहे वो अच्छी बात है, लेकिन एक भी गुण बढ़ गया, तम बढ़ गया, तो इनको कहते हैं तीनों साथ रहो, सत्व रज और तम दोनों के साथ रहना तुम्हारी प्रधानता है बस, लेकिन उग्र मत होना इतने, इसलिए सत्वोद्रेक में आपको रस होता है। ये कभी लोग क्यों कर रहे हैं प्रकृति का वर्णन, कवि के अलावा भी तो कर सकता है कोई, कर सकता, क्योंकि कवि का मतलब ये नहीं कि वो लिख के ही बतावे, बोल के भी कविता होती है, आशु कविता वाक है, ये वाणी है, सरिदय हृदया लाधि शब्दार्थ मयत्वमेव काव्यम, इसके लिए कवि होना चाहिए, सुनने वाले जरूर होने चाहिए। आनंद वर्धन ने कहा है सर कि सरस्वती है क्या, सरस्वती माने वाणी, एक बोल रही है और दूसरे कानों से अंदर जा करके सुन रहे हैं। सरस्वत्यास्तत्वं कवि सहृदयाख्यं विजयते, कवि और सहृदय, आप कविता लिख रहे हैं किसको सुनाओगे, आप अपने ही अपने को सुनने वाला चाहिए, वो जमाना अब दुर्लभ है, क्योंकि हम उस युग में आ गए कि हमारे पास जो तकनीकी यंत्र हैं इतने हो गए कि चैन से हम 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। आप भोजन करेंगे उस समय आपका मोबाइल जरूर बोलेगा, तो आप अच्छा खाना खे यहाँ का वो बोलेगा, अच्छा आप ये भी नहीं कि बोलने से बोलना, आप उठाएंगे तो भोजन का स्वाद लेना। तो प्रकृति को देखना जिस दिन से पैदा हुआ बच्चा, उस दिन से उसे अच्छी लगने लगती है, जो पूर्व जन्म को मानते हैं, पूर्व जन्म का संस्कार वाले, जो कुदरत का करिश्मा मानते हैं वो मानते हैं। मेरा एक लड़का था सबसे छोटा, मेरे घर में यूकेलिप्टस के 4 पेड़ थे, तखत के ऊपर वो रो रहा था, मान नहीं रहा था, तकड़ा था फिर भी, लेकिन धीरे से उसको वो, मैंने उधर को वैसे किया तो पत्ते हिल रहे थे हवा से, तो उसका उधर ध्यान गया, उनको देख के वो हंसने लगा उनके साथ, ऐसे करने का हाथ है, उसको तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी, पेड़ पौधे अच्छे हैं, कुदरत जो प्रकृति है स्वभाव है वही उसे अच्छा मानता है। आप रेल में यात्रा करिए, बिल्डिंगें देखकर चले जाइए, और जब आपको कोई नदी आएगी अपने आप ही अच्छे लगने लगेंगे, पेड़ जब चलेंगे वो घूमते हुए तो आपको स्वयं अच्छे लगने लगेंगे। तो इसका आप सबने बता दिया है कि आलम बने, उद्दीपन है, संवेदनात्मक रूप है उसका, वातावरण निर्माण है, रहस्यवादी उसके रूप है, अलंकार के रूप में ले सकते हैं, प्रतीक के रूप में ले सकते हैं, लोक शिक्षा के रूप में ले सकते हैं, दूत के अर्थ में ले सकते हैं, मानवीकरण के रूप में ले सकते हैं, इसके अलावा भी और कोई बन जाए तो उस रूप में भी ले सकते हैं। हम उसको जरूर लिखते हैं, और इसलिए लिखते हैं कि वो हमसे संबद्ध है, और इसलिए लिखते हैं कि हमारी इस बात को कोई सुन ले मनुष्य जो उस भाषा का जानकार। उपादान के रूप में भी ये है, अच्छी बात नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन इस तरीके से रखा है। अलंकार के रूप में भी इतने विरुद्ध चीज है इस दुनिया में, अंधेरा और चांदनी एक साथ नहीं रह सकती, चांदनी और कमल एक साथ नहीं खिल सकते दोनों, लेकिन कवि कह रहा है अपने प्रिया के लिए
क्रियाओं की बड़ी बड़ाई की है कवियों ने, जय देव हो चाहे कोई हो, माने चाहे ना माने, मानते तो यही लोग रहते हैं कि भाई नारी जाति पर अपमान ही होता रहा, अशक्ति और ये, लेकिन उस सब को स्वीकार करते भी उन्होंने इज्जत से अपनी क्रिया को जैसे मना सकते थे फूल पौधों से ख्याल से इसीलिए मना लिया। कहते हैं तिमिर शारद चंद्रिर चंद्रिका कमल विद्रुम चंपक कोरका यदि मिलन्ति कदापि तदाननम् खलु तया कलया तुलया महे। अगर कभी इसको यद्यर्थ अतिशयोक्ति कहते हैं वशिष्ठ, अगर ये चीज एक साथ मिल जाए तिमिर माने अंधेरा, शारद चंद्र शरदकालीन चंद्रमा की चंद्रिका, तिमिर शारद चंद्र चंद्रिका कमल विद्रुम, कमल कितना कोमल है और विद्रुम जो मूंगा है बड़ा कठिन है, कमल विद्रुम चंपक कोरका और चंपे की कली, अगर कभी मिल जाए तो फिर मैं तेरे चेहरे से उसकी तुलना करूं, क्योंकि अंधेरा है बाल काले बाल, शारद चंद्र है मुख, उसकी चंद्रिका है प्रसन्नता, कमल है नेत्र, विद्रुम है होठ, चंपक कोरक है नासिका। तो इसको जैसे आप कह रहे थे अद्भुत एक अनुपम भाग, इस तरीके से यद्यर्थे अतिशयोक्ति ऐसे यदि के अगर ऐसा हो जाओ होता तो नहीं, लेकिन कवि में ये ताकत है कि जो अघटित होने वाली चीजों को घटित कर सकता है। भावान चेतना अभिचेतन व चेतना अचेतन व्यवहार है क्या है सुकवि काव्य स्वतंत्रतया, कवि में ये है और किसी में नहीं है। वैज्ञानिक कह के देखो कोई बात, सारे पीछे पड़ने में, कोई अधिकारी कह के देखो कोई बात, सब पीछे पड़ेंगे, लेकिन कवि जो है उसके पास ये विशेष अधिकार है, वो बदल देगा। विकेदम मनम करते रुस्तमे पहलवान वगरना यते दूरदर्शी स्थान, अरे मैंने किया है रुस्तम को तो पहलवान, वरना तो पल्ले जा था सीस्तान शहर का वो कभी मनीषी पर होता मनम कर दे, कवि ने किया राम जी, वरना तो दशरथ के पुत्र थे वो, कौशल्याद के पुत्र थे, लेकिन लंका पते पति में देखो लंका का मालिक, लंका पते संकुचितम यशो यत, उसका यश संकुचित हो गया, रावण रावण यह हो गया, कितना ही ज्ञानी हो कितना ही वीर हो कितना ही कला वाला हो कितना ही वेद का ज्ञानी हो, लेकिन रावण माने आप दशहरे में देख ले सब जितने भाषण करेंगे वह यही कहेंगे कि असत्य पर सत्य की विजय, पाप पर पुण्य की विजय। जैनी लोग कहते हैं कि एक सत्य दूसरा प्रति सत्य, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं, जैनियों की कथा अगर कोई सुनने लगे तो उनके ऊपर हल्ले मच जाने हैं कि ना रामायण के, बड़ा उन्होंने कैकेयी का वर्णन किया, महिमा मंडित रावण का किया, उसका वर्णन क्या किया, अमर समर भर वहो थिर हंत कंधो कुल धवलो धुरंधरो वैरी बाहु वंदो रयन रिम्मव्य रयन यर घर वीयरो विक्कमक्कमिय महिवलय विरिसायरो पवन वै सवन जन वरुण बल भंजनो असुर सुर कयर पणि तरुणि मण रंजनो करल तम पडल का विंदि जल सहवरो सुर हिमय नाहि कुच्छलिय तनु परिमरो गोव गुरु जलन जागो निजारि अधिसो सरल रत्त छिविच्छो हणिज्जिय विसो वीर परिहव करो रहिय रण परिसरो मुख गुण राव धनु दंड मंडिय करो दिहिल जग गिलन का रूप ढुक्को सयम छत छन्नो महंतो जणंतो वयम कठिन भुह पलिय सयलिंद कंपावणो धग धगंतम रथारु हरो रावणो हरि करि कमा गया हल्लिया मेरी रण रुण लपटी रच जाड़ाईनी पुलिस पुड़ी लंका पुलिस पुड़ी लंकुरा रावली राईतम
भगदगंतम पुरोचक्त बुद्धाग्यम, उसको अपूर्व पुण्यों का एक जन्म बताया है, लेकिन कभी ने ऐसा बना दिया ना उनको कि तेरा पुतला फूकेगा और हर आदमी जो भाषण देगा उस दिन असत्य को कहेगा भ्रष्टाचार का पुतला हमें फूकना है, तभी हमको जो आतंक का पुतला फूलना है, बेईमानी का पुतला फूकेगा। रावण बिचारे का हाल यही हो गया कि लंका पते संकुचितम यशो हो जाता, और यत कीर्ति पात्रम रघुराज पुत्र, कभी का आपदे को विलन की है वहीं रघुराज पुत्र, उस रघुवंश में जो दशरथ जी थे उनका एक बेटा थे, लेकिन वो कीर्ति भाजन हो गए। किसका है पता? ससर्व एव आदि कवे प्रभाव, जो पहले कवि थे उनका प्रभाव है। इसलिए न कोपनीया कवयक्षितेन्द्रई, राजा लोगों कवियों को गुस्सा मत दिलाना। आजकल कवि राजा राज कवि हो रहे हैं, उन्हें गुस्सा कोई दाता तो जो कह देंगे वो कह देते, क्या जो कह दिया, जैसे शाह वक्त की आखिरी मसनवी में थी कि हमारा वर्णन जरूर करो, शाह का वक्त करना पड़ा सब उसका वर्णन। तो कवि जितने वर्णन कर रहे हैं ये पठनीय हैं, आज की गोष्ठी से आप लोग देखना चाहो तो सुभाषित रत्न भंडार है, उसके 11-12 संस्करण हो गए पिछले 100-150 साल में, उसमें अनियुक्ति है, भ्रमर की अनियुक्ति, गरुड़ की अनियुक्ति, हंस की अनियुक्ति, चिड़िया की अनियुक्ति। हमारा जमाना क्या था, हम तो अब 77 वर्ष के हैं जी, अभी ज्यादा तो है नहीं, लेकिन हर घर में चिड़िया होती थी पहले, आपने भी देखी होगी, और जब रोटी खाते थे तो 4-5 टुकड़े चिड़िया के लिए डाल देते थे और चिड़िया एकदम वहां चुप करके ले जाती थी। अब चिड़िया कहां है? मेरे घर में एक पेड़ है, उसमें 500-600 चिड़िया सुबह ही बोलती थी। आकाशवाणी में एक हमें नाटक करना था, सुबह का वो चाहिए था इफेक्ट, तो उन पे थाली मैंने कहा मैं लाऊंगा, सुबह ही मैंने अपना एक टेप रिकॉर्डर रख दिया, ची 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 ची, बहुत बढ़िया। अब हमारे पड़ोस में लग गया है टॉवर, अब हमको भी पता नहीं कैंसर होगा नहीं होगा, लेकिन चिड़िया तो बेचारी भग गई। एक दो चिड़िया अब भी बोल जाती है, एक है वो, तो वो एक दीवार के बीच में उसने अपना बना रखा है। आप सबके यहाँ पंखों में पहले चिड़िया स्पैरो जिसको बोलते हो रही है वो रहती होंगी, आप सबने देखा होगा ये हाल, लेकिन अब 18 मंजिल में कहाँ चिड़िया आएगी। तो इसलिए प्रकृति से हमारा संबंध जो खत्म होता जा रहा है चिंता की बात है, और ये गोष्ठी यही प्रेरणा दे रही है कि भाई प्रकृति से मिले रहो, तुम्हारे बिना प्रकृति बेचारी दुखी है और प्रकृति के बिना तुम भी दुखी रहो। इसलिए जो देवभूषण तीरंतरिक्षम हो रही है, या हम जैसे लोग कह रहे पर्वतानाम वनानाम नदी स्रोतसाम गिरझराणाम ऋतूनाम दिशाम प्राणिनाम वारिधीनाम चेतस सदा प्रियताम नूतने वत्सरे ते भवे मंगलम, इसीलिए कह रहे हैं कि बने रहो बने रहो। प्रति तो फिर भी आती है, पानी की टंकी के पास एक पीपल का पेड़ छोटा सा पैदा हो गया, अब वो इतने सौम्य रूप है तो ठीक है, जब वो दीवार फोड़ेगा तो वो रौद्र रूप दिखा देगा। तो इसलिए मैं अनुपम जी आपको साहित्य अकादमी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतने विद्वान का बहुत ही अच्छा भाषण सुनने को मिला। अध्यक्ष जी आपको भी प्रणाम करता हूँ कि आपने इतना समय दे दिया, जब तक आप नहीं आई थी तो हम ये कह रहे थे कि उनकी चरण पादुका का रख के काम शुरू कर दो, तो जब वो आएंगी तब उनको अपने नमस्कार कर लेंगे, तो इसलिए वो आध घंटा फिर आगे आगे राहु था जाने क्या था, पर वो इसलिए उनके आगे नहीं शुरू बोलना पड़ा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपने मुझे बुलाया। असल में हमारी मुसीबत क्या है टंडन जी जानते हैं, सुधांशु जी की, कि हम लोग पढ़ाते थे
और 50 मिनट का पीरियड लेते थे। रिटायर हुए होंगे हमें भी 12 साल, इन्हें भी कुछ ना कुछ तो साल हो गए। तो जहाँ इतने तो बहुत भले आदमी दिख जाए, तो यही चीज लगता है कि 50 मिनट तो बोले भाई बड़े दिन बाद पकड़ते हैं, तो इसलिए हम जितना बोल जाते हैं आप क्षमा करना, हम आपके मेहरबानी के मुस्तहिक हैं और सब आपकी कृपा पात्र है। अनुपम जी आपकी कृपा बनी रहे, साहित्य अकादमी प्रति पूर्ति रहे, अध्यक्ष जी माफ कर। आपके बोलने से ही हम विचारों से लाभान्वित होते हैं। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ अकादमी की ओर से आपका। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी को अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप प्रख्यात लोक कला विशेषज्ञ और विदुषी हैं। आपने काशी विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की, लोक साहित्य के अभिप्रायों का व्याकरण विषय पर DLit की उपाधि प्राप्त की, लोक साहित्य पर आपकी 25 पुस्तकें हैं, 110 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 11 कहानी कविता संग्रह, 6 नाटक, 8 निबंध संग्रह, 9 साक्षर और बाल साहित्य की आपकी 15 पुस्तकें, 20 संपादित पुस्तकें, इस प्रकार लगभग 5 कृतियाँ आपकी प्रकाशित हैं और 18 पुस्तकें अभी शीघ्र प्रकाशित होने वाली हैं। आपने कई पत्रिकाओं का संपादन किया है। आपके कृतित्व पर कई विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हुए हैं। आपकी पुस्तक सच के पांव का नेपाली में अनुवाद हुआ और उसको साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। मलयालम, मराठी, कश्मीरी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, अंग्रेजी सहित जापानी भाषा में भी आपकी रचनाओं के अनुवाद हुए हैं। आपको देश और विदेश की लगभग 98 संस्थाओं द्वारा पुरस्कार और सम्मानों से अलंकृत किया गया है। आपने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में संयुक्त निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। अनेक देशों की अपने सांस्कृतिक यात्राएं की हैं। डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी प्रकृति को प्रणाम करते हुए सब में सीताराम का दर्शन किया है। मैं अवध की भूमि से आई हूँ, इसलिए मैं सियाराम मैं सब जग जानी कर्म प्रणाम जो रूपानी कहकर आप सबको प्रणाम करती हूँ। हमारे यहाँ लोक संस्कृति में बड़ों का नाम लेना शिष्टाचार के विरुद्ध माना जाता है, इसलिए मैं बिना नाम दिए आप सबको प्रणाम करती हूँ। जो मेरे छोटे भाई हैं उनके पर शुभकामना, बहन में हमारी यहाँ बैठी उनको प्रणाम, और सभी सभी मेरे परिचित हैं, सबको मैं जानती हूँ, सबकी विद्वत्ता से परिचित हूँ। और आज इतना अच्छा अवसर दिया साहित्य अकादमी ने कि आप लोगों के वक्तव्य सुनने को बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ। मैं नहीं जानती कि मुझे कितने मिनट बोलना चाहिए क्योंकि समय बहुत हो गया है और दिल्ली में सबके घर बहुत दूर दूर है, पहुंचना है सबको। सभी विद्वान वक्ताओं ने अध्यक्ष का काम आसान कर दिया, सभी ने लगभग सभी समीक्षाएं साथ साथ करते रहे, और अनुपम जी ने भी संचालन में प्रकृति के महत्व को रेखांकित करते हुए साहित्य के में उसको कैसी उपस्थिति है उसके बारे में बहुत अच्छी बात बताई। आदरणीय चतुर्वेदी जी ने आज ग्रंथों में प्रकृति का जुड़ाव जो है उसके बारे में बात की और तमाम रूपों का उल्लेख किया विस्तार से, प्रकृति की उपमाओं की चर्चा की। लोक में भी अनोखी उपमाएं हैं जिसको आज अपने उसमें मैं बताना चाह रही थी, लेकिन एक तो बता देती हूँ। जैसे जब बादली बरसने को होती है तो एक बच्चा लेकिन दौड़ा दौड़ा आया गांव का, वो बोला कि देखा दीदी बदरिया पेढ़ाई पर। अब गाय के थन में दूध देने को जो एकदम तैयार है तो बदरिया पेढ़ाई है, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसी तरह एक गीत में मिला कि ठाड़ी उखड़िया या सुना है, जैसे गन्ने का खेत खेत में गन्ना सूखता है वैसे ही रहनी उसके भीतर का जीवन रस सूख रहा है। इस तरह के तमाम माए हैं, जैसे अखिया दूल्हे नकिया सुगनवा और उठवा चूहे बोला, ये सारी उपमाएँ हैं जिसका साहित्य में भी लोक साहित्य में भी बहुत बड़ा मिलता है। आदरणीय टंडन जी ने हिंदी साहित्य के चारों कालों का मंथन करते हुए अपनी बात की और कितने रूपों और माध्यमों से साहित्य लिखा गया है इसकी चर्चा की। मैं कहना चाहूँगी कि लोक में भी जैसे गंगा पर आप चर्चा किया, गंगा पर लोकगीतों में इतना मिलता है कि पूरी पुस्तक कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। गंगा अवतरण से लेकर के गंगा की महिमा तक मेरी पुस्तक है भी लोकमानस में गंगा,
इसी तरह वृक्षों पर एक एक वृक्ष पर किताबें लिखी जा सकती हैं पूरी पूरी, जो लोकगीतों में लोककथाओं में वृक्षों का जो रूप है तो बहुत ही विस्तृत विषय है, उस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत पड़ती है। और हमारी बहन दीप्ति त्रिपाठी जी ने जो कहा कि प्रकृति उपादान नहीं उसका अंग है, बहुत सही बात है कि हम उसको उपादान के रूप में लेते रहे लेकिन लोक साहित्य ने उसे अंग के रूप में ही लिया है। वहाँ इतना अंतर संबंध है, इतना आत्मीयता है कि वहाँ उपादान के रूप में आई भी है तो वो अंग के ही रूप में आई है और प्रकृति पर मनुष्य आश्रित है। आपने कहा यही भाव लोक में भी व्याप्त है। शांत पाठ का आपने उदाहरण दिया, शकुंतला के तादात भाव को याद किया, संस्कृति चिंतन से संस्कृत चिंतन करने वालों को पुरातन पंथी कहा जाता है, ये हम भी बहुत सुन चुके हैं कि हम जब कभी अपनी संस्कृति की बात करते हैं या सीता सावित्री को उदाहरण देते हैं तो हमारी बहनें हमारे ऊपर खफा हो जाती हैं कि आप उदाहरण देने के लिए सीता और सावित्री ही बची हैं, क्या वही यथास्थिति बनी रहे वैसे ही सहती रहे स्त्री। तो मैं उसका उत्तर देती हूँ अपने ढंग से कि जो सहता है वो कमजोर नहीं होता, वो शक्तिशाली होता जो सहता है। उसी तरह भाई सादिक जी ने अमीर खुसरो की पहेलियों को उदाहरण दिया, उर्दू साहित्य से मसनवी से परिचित कराया और बेटा होने की खुशी में बाघ लिखवाने की जो बात की गीतों में मिलता है कि वो इससे कहती है कि अपने प्रिय से कि मुझे एक साथ है कि मेरे पिछवाड़े तुम लखनऊ का बगीचा लगवाओ, मेरे पिछवाड़े बगीचा हुए मेरी साथ है, उसकी सास ताना देती है कि तुम्हें जब कुछ होगा तब ऐसा और जब कुछ होता है तो उसका वचन पूरा किया जाता है। और रात गीतों में भी है कि मेरे पीछे लौंग का पेड़ है, मोरे पिछोरवा लौंगिया पेड़वा लौंगा चुबे आधी रात, और लौंग लाद लाद कर उसका पति बंजारा बंजार करने के लिए व्यापार करने के लिए चला जाता है, तब उसको पूछती है कि न ये पेड़ होता न लौंग गिरी होती न प्रकृति का यह रूप भी देखने मिलता है, लेकिन वो पेड़ को नहीं पोसती, बाद में कहती है कि तुम्हारा क्या दोष है, तुम तो अभी भी मुझे सुगंध दे रही हो, एक सहारा हो, मैं तुम्हारी डाल पकड़ करके खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन जो ये तो मनुष्य है जो बंजारा बन गया वो मुझे भूल गया। टैगोर का उल्लेख भाई टंडन जी ने किया कि टैगोर को नहीं आती है, आप ही कहा था। तो टैगोर ने बच्चों की किताबें भी लिखी हैं, बच्चों के लिए कविताएं, उसमें मैं दो कविताएं मुझे याद हैं जिसमें बादल जल का पानी कहता है कि मैं बादल के ऊपर उड़ूं आकाश में और वो भगवान से प्रार्थना करता और बादल बन के उड़ जाता है, और तितली के देख करके फूल कहता है कि मैं भी उड़ना चाहता हूँ तो प्रार्थना उसकी सुन ली जाती है और तितली बन के उड़ जाता है। इस तरह बच्चों के लिए जो प्रकृति से जोड़ने की बहुत अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी हैं तो मुझे स्मरण आ गई आपकी बात सुनकर। उर्दू साहित्य के नक्शिक वर्णन की बात आ गई, भाई टंडन जी ने गंगा पर वृक्षों पर और पंच तत्वों पर बात की, इतना मिलता है कि उस पर कई कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं पंच तत्वों। मेरी एक पुस्तक प्रभात प्रकाशन छपी है अवधि लोकगीतों में प्रगत पूजा, उसमें पंच तत्वों किस तरह गीतों में और कथाओं में लिया गया है उसको विस्तार से मैंने कोशिश की है देने की। भाई डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति ने हिमालय पर अपने कथन अध्ययन को साझा किया, सभी पुराणों में हिमालय के सौंदर्य का उल्लेख किया, आपने आचार्य निशांत केतु जी का नाम लिया, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है शुक्ल जी ने जिस बुद्धि की बात की, जिस पार्वती के वात्सल्य की बात की, वो पार्वती का वात्सल्य आपकी बात सुनकर मुझे याद आ गया कि जब पार्वती के साथ शिव जी भ्रमण करने निकलते हैं तो जहाँ भी कोई दुखी दिखाई देता है पार्वती जी हट करके खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं पूछो ये क्यों दुखी है, तो शिव जी कहती है क्रिया है खोज करा दो तुम आगे चलो, उसके भाग्य में है जो दुख झेल रहा है, आप दुखिए उसका पूछिए क्यों दुखी है और उसका दुख दूर कीजिए तब आप भगवान। तो इस तरह उनके हट से लोग कल्याण होता है, सारी कथाएं और
पर बात की जा सकती है। और आपने चिड़िया चींटी खिलाने की बात की, आज भी गांवों में अभी चींटी का आटा डालना और गोली बना के खिलाना ये है। और ये गीत मिलता है इसमें कि बहु सबको खिलाने के बाद जो पिछली पटखनी बचती है उसमें बहुम कुकुरा बिलरिया होना, बहुम गौवा चरवाहा होना, बहुम कहके गाय का कौरा भी, और उसके बाद जो छोटी सी टिकिया बचती है उसको खा के पानी पी के वो सूखा सूखा जो अतृप्त है लेकिन फिर भी उसे अमृत भोजन की तृप्ति मिलती है, ये भाव होता है। इसके लिए हमें अपनी लोक संस्कृति को लौटना पड़ेगा, किस तरह जो है सबको खिला कर तृप्त होने वाला जो भाव था वो खत्म हो गया है। आपने चिड़ियों की बात की, चिड़िया का घोंसला अब नहीं लगता है क्योंकि हमारे हर घर में मोबाइल है, गौरैया अपने देश से चली गई। मैं नार्वे मैंने देखा समुद्र किनारे पूरा तमाम चिड़िया गौरैया बैठी थी, तो मेरे मुँह से निकला कि कहा गौरैया बहनी आप देश छोड़ के यहाँ विदेश चले गए, तो जो आयोजक थे उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा क्या कहा आपने, तो हमारे साथ थी डॉक्टर कैलाश देवी सिंह हिंदी विभाग के थे तो उन्होंने बता दिया, तो उस पर उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया, हमारे सबने कहा क्या कर दिया था हमने, हमारे गौरैया संबोधित किया था। तो ये जो हमारी चिड़िया जा रही हैं, हम लोग बचपन में याद है कि ताली बजाना मना था शाम के बाद, चुटकी न बताओ शोर न करो चिड़िया पसेरा ले चुकी, ये संवेदना आप नहीं रही। चिड़िया एक लालमोनिया चिड़िया होती थी, अगर परिवार से संकट आना होता था तो वो मर जाती थी और उसका संकट टल जाता, ये लोग विश्वास था। ये चिड़ियों को शुभ अशुभ का ज्ञान होता, सुनामी आई तो देखो सबसे पहले चिड़ियों को मालूम हो गया, घरों को मालूम हो गया, तो इसलिए चिड़ियों का पक्षियों का और इनका पेड़ों का संसर्ग हमें जीवन देता था, उस बात को हम बोल चुके हैं। और आपने गंभीर बातों को लोग की सहजता में प्रस्तुत किया, उस पूरा गंभीर वातावरण जो था वो भी दूर हो गया था, वो बिल्कुल सरल हो गया, इससे बहुत अच्छा लगा मुझे। अब हम मेरे पास बताइए, मैं अपनी बात कुछ उदाहरणों से दूँ कि ये अपन कर भारतीय संस्कृति साहित्य में प्रकृति के साहित्य है जो आपका आविर्भाव है वो सांस्कृतिक चेतना का मूल भाव है, यह भाव धर्म के आग्रह के साथ जुड़ा है और जुड़ा है, कोई उससे अलग होने की बात सोच भी नहीं सकता, पर अब धीरे धीरे सभी ने कहा कि स्वभाव का ह्रास हो रहा है, इनके पुनर्स्थापक का दायित्व भी साहित्य को निभाना है और लोक संस्कृति को भी उससे जुड़ करके साहित्य लिखित साहित्य को बाकी परंपरा से जुड़ करके उस भाव को मिलेगा। प्रकृति के प्रति भारतीय मनीषा ने प्रारंभ से चिंतन किया जो आप सभी ने उस बात को बताया, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। प्रकृति पूजा का भाव भारतीय संस्कृति और धर्म चिंतन के साथ लोक व्यवहार में निरंतर रहा है। आज वाचिक परंपरा के बारे में कहते समय ये लगता है कि वहाँ प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है, जितने देवी स्थान हैं वहाँ पर उनके जो ये है सवारियाँ हैं हाथी घोड़ा प्याले मोर इनकी पूजा होती है, देवताओं के वाहन पशु थे पक्षी थे उनकी पूजा होती है, और इसलिए ये प्रकृति से सीधे साहचर्य का भाव इसमें व्यक्त होता है। हमें प्रकृति को जो हमसे दूर जाती जा रही है हम अपनी सुविधा के अनुसार सुबह होता है कि हम काटते छाँटते जा रहे हैं उसका दंड भी हम भोग रहे हैं जो आज देखने मिल रहा है। हम प्रकृति संवेदना के भागीदार थे उसके साक्षी हैं हमारे लोग विश्वास लोग कथाएँ और लोग गीत, प्रकृति मानव के चिर संचरी हैं, प्रकृति के प्रति मानव का दायित्व बड़ा है जो हम भूल रहे हैं। आज प्रकृति के अंधी दौड़ में यह दायित्व जो हम भूल रहे हैं उसे लोकचित्त अभी तक नहीं भूला है, लोक में आज भी वो भाव दायित्व भाव अभी भी वर्तमान है। रात में जैसे गहरी रात में अगर पानी भरना होता था तो कुएं और तालाब को कंकड़ी छोटी फेंक के जगा लिया जाता था, कहते हैं कुआं सो रहा है तालाब सो रहा है उसके जीवजंत सो रहे हैं, ये संवेदना आज नहीं रह गई इसको फिर से याद करने की जरूरत है। और
बेटियां बार बार व्यवहार करती हैं निविया के पेड़ जिन काटे आए बाबा निविया चिरैया का शेर और बेटिया ने जिन्हें दुख दिया है बाबा बिटिया चिरैया के नाम ये संवेदना है कि बेटी हो गई चिड़िया और बेटी को दुख देना चिड़िया को दुख देना बेटी को दुख देना है और बेटी की माँ को दुख देना है बेटियां कहती नहीं है हम तो बाबू तुम्हारे अंगना के चिड़ै दाना चुगी उड़ी जा तो इस तरह की और एक विवाह का गीत है मैं गीतों को केवल उदाहरण दे रही हूँ बाद में कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ कोयल जैसे पत्ते पत्ते छुपती है शिकारी के भय से उसी तरह बेटी भी छुप रही है घर के कोने कोने में और कह रही है कि यश उद्वसिया पसिया बेटोगा कोने वृंदावन को जा दाल हाल पे कोयल छुप रही है और लगा रहा है उसी तरह बेटी भी चारों तरफ छिप रही है लेकिन वर जो है जो शिकारी आया है वो उसको ले जाएगा ये गीत में है कि बेटी को आंगन का तुलसी आंगन की तुलसी है वो और बेटा पुत्र है इस तरह के बहुत सारे गीत मिलते हैं ये गीत बहुत ही प्रसिद्ध है जो सबको मालूम है हिरनी पर जो क्रौंच वध का जिसका आप लोगों ने जिक्र किया उसका परिवर्तित रूप से जो लोग में आया है हिरनी उदास खड़ी है और पूछता है कि तुम क्यों उदास हो क्या तुम्हारा चारागाह सूख गया है या पानी में ना मर जाएगी कहती है नहीं आज राम की छठी है हाँ राम की छठी है तुम्हारा वध हो जाएगा तो वो कहता है तुम क्यों बेकार की बात कर रही हो राम छठी में पढ़ूंगा मेरा उद्धार हो जाएगा तो वो आग्रह करती शिकारियों से मेरा वध कर मेरे हिरण को छोड़ दो तो कहती है नहीं मादा का वध नहीं करती ये आज भी परंपरा है कि फली हुई डाल नहीं काटती फूली फली डाल और मादा स्त्री का मादा जानवर का वध नहीं किया जाता तो वो फिर वध हो जाता है तो उसके पीछे पीछे हो जाती है कौशल्या जी से आग्रह करती है कि रानी मसीहत सीजू रसोइया खलरिया मोरी बक्सर को खाल दे दो उसे पेड़ पर टांग दूंगी तो जब हवा से खाल हिलेगी मैं समझूंगी मेरा हिरण तुम्हारा सेवा लेकिन माता कौशल्या कहती है तो बावली हुई हो इस खाल से खजड़ी बनेगी और मेरे राम खेलेंगे यहाँ कुछ हमारे साम्यवादी बंधुओं ने इसकी आलोचना की कि ये साम्यवाद चिंतन जो उनका कि सामंतीवाद सामंत के वाद के खिलाफ एक साधारण जीव की प्रतिक्रिया है लेकिन यही नहीं है ये हम अपने सुख में जो अपने परिवेश को भूल जाते हैं उसके प्रति आगा ये जन्म का गीत है मंगल गीत है लेकिन शोक गीत हम जन्म के समय भी मृत्यु को याद रखें अपने परिवेश के सुख दुख को याद रखें ये भाव है और हिरणी की उपेक्षा करने से कौशल्या को कितना दुख हुआ भोजपुरी में तो है कि हिरणी साफ देती है जैसे मैं अपने हिरण के लिए विसूर रही हूँ वैसे ही तुम भी रानी अपने राम के लिए विसूर होगी लेकिन अवधि में कोई श्राप नहीं देती बस जब वो खजड़ी बसती है तो वो ढाक के पेड़ के नीचे कान उठे तो खड़ी होती है और उस शब्द को अनकती है अनकना शब्द है जब जब बाजे खजड़िया शबद सुनी अनकई हो हिरणी ठाणी ठकुरिया की तरह हिरण के विसूरई हो अब ये विसूरना पूरे संसार में मुकर्मा व्याप्त हो जाती है और ये संकेत देती है कि किसी के दुख को न समझना अपनी खुशी में ये श्राप का कारण है कथाओं में हिंसक पशु और विषैले जीव जंतु भी पारिवारिक दृष्टि में बंधे हैं एक सतपती गाय की कथा जिसमें बाघ को बच्चा मामा कह देता है तो आती है ना कि मैं आऊंगी दूध पिलाना मतलब आऊंगी तो खा लेना तो फिर बच्चे को सिखा बच्चे कहती है कि तुम्हारे मामा है मामा कह देता है तो छोड़ देता है उसी तरह एक बहू ससुराल में उसके मायका नहीं है सब लोग ताना देते हैं कि त्योहार में उसके आते हैं इसकी मायका ही नहीं है तो नाग देवता उसके भाई पिता या चाचा बन के आते हैं और उसको सौगात देते हैं इसी तरह एक स्त्री जाती है मरने के लिए सांप नागिन के बांबे के पास रोती है तो कहती है नहीं तुम रो नहीं तो मेरी बेटी हो अपने घर में ले जाती है बेट के अंदर और वहाँ उससे कहती है सब कुछ देखना सब तुम्हारा है यार हो तो लेकिन ये नाक मत खोलना
तो वो जब चली जाती है तो वर्जना है, क्योंकि उसको उत्सुकता होती है, नाक खोल देती है, तो उसमें नाक के बच्चे हैं, तो वो भागने लगते हैं, जल्दी जल्दी समेट के बंद करती है नाक, तो एक बच्चे की पूंछ कट जाती है, तो वो दूध नहीं पीता, आके रोक जाता है, माँ से कहता मैं उसे काटूंगा, उसने मेरी पूंछ काटती है, कहती है नहीं बेटा तुम्हारी मेहमान है, बहन है, अच्छा ठीक नहीं मान लो, जब अपने घर जाएगी तब काट लेना, तो उसको सिखाती है तुम जब जाना घर तो रोज नाक में बड़वा भाई जो है वो प्रार्थना करना भगवान से इसके लिए, तो रात को सोते समय वो रोज जाता है काटने, तो रोज उठाती है नाग बाढ़े नागिन बाढ़े नाग के साथ और गोवा बाढ़े और सबसे ज्यादा मोर बड़वा भैया बाढ़े देखे मैं खाऊ भैया, तो सुन के वो कहता है कि रोज मेरे लिए दुआ करती है तो उसको माफ कर देता है, ये लोक मंगल भाव बहुत कुछ मिलता है। आधी पानी आप भोजन बिच्छू सबको शादी के आग में न्योता दिया जाता, आधी पानी को दरिया में बंद कर देते हैं कि जब तक ये मंगल कार्य हो रहा है तब तक बाहर मत निकलना, यही बैठ के साक्षी हो हमारे आनंद में सहभागी हो, आप साथी हैं हमारे, और जब शादी का निपट जाता है तब उनका ढक्कन खोल दिया जाता है, आप स्वतंत्र है, ये आती है। उसी तरह सांस को जगाया जाता है, सांस से ज्योति पूर्व उत्पन्ति, उसी तरह भोर को जगाया जाता है कि भोर भय जब सर्वा धर्म की दुनिया चिरैया पर बोले मेरी उपन छुंदे हर लेके चले हर वहवा बहुए जाते, और उस समय देवी भवानी मथानी लेके अपने बैठती हैं, पूछते हैं कि कौन सा चरित्र आपके आंचल में है कि हमारे गाय है नहीं भैंस है नहीं फिर भी दूध नालियां बह रही हैं और दही कमोरे भरे हुए हैं, तो कहते हैं कि ये प्रकृति जो है उसने ये दिया है इसलिए तुम संपन्न, और भूमि को मिट्टी को भी जगाते हैं, सारे देवताओं को जगाते हैं, अगवान चंद गणेश को अगवान अग्रदेव को अगवान चंद कहता है, कहते हैं लो कलश लो कलश में जल है मुंह धो और जाओ गाय डूबने का। इस तरह हम पर्यावरण चिंताओं को इसकी रक्षा की बात आप सबने कही, एक गीत है जिसमें कि माँ से प्रार्थना करती है बर अगवारे और पिपर पर पिछवारे निबिया हुए धर्म दुआरे माए, और तीन चीज कहती है इस कलयुग में तीन अमर हैं, पानी पवन गंगा धूल, ये तीनों अमर हैं, और इस अमरता के पीछे लोग के संकेत करता है कि इन्हें अपनी अशुचिता मत सौंपो, इन्हें अमर पर तभी बने रहेंगे तभी सबके लिए कल्याणकारी होंगे जब तक हम वो पवित्र रहेंगे। पेड़ पौधे सगे संबंधी हैं, आश्रय हैं, छां हैं, इसलिए कहती है कि मेरे दरवाजे पेड़ होता तो उसी डाल को खड़ी होती, मेरा अब कोई सहारा नहीं है। एक गीत में है कि जौ के खेत को जुड़वाने की बात है, कि ये बादल गर्जो जौ के खेत की तुलना माँ की कोख से की गई है कि पुत्र तुम मेरे यहाँ जन्मो और मेरी उजड़ी नगरिया बसाओ, और हे बादल तुम बरस के जौ के खेत को शीतल करो। कुंवारी कन्याएं जब पानी नहीं बरसता तो बांस की जड़ पकड़ के रोती हैं, अरे भैया बर्फू मसवा की खुटिया लुकाने भैया बर्फू, और पानी दो मतलब बांस के जड़ों में जो पानी छिप गया है उसे निकाल। ये वैज्ञानिक तथ्य अब सामने आ रहे हैं, जो हमारे वर्षा होती है कुमारियाँ रोती हैं तो उनसे पसीजते हैं बादल और बरसते हैं। सारी ऋतुओं से जुड़े हैं हमारे ऋतु चक्र से पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। कुछ बारह मासा गीत है जिसमें बारह महीने के सुख दुख है, उसमें विशेषकर राम जब वन चले जाते हैं तो वन में अब ये हो रहा होगा पानी बरस रहा होगा धूप होगी कौशल्या का कर्म संवेदना है, उसमें कुछ चौमासा गीत है जिसमें वर्षा ऋतु के वर्णन है, और एक गीत है जो सोहर है उसमें गर्भवती माँ कहती है अपने बच्चे से कि बेटा तुम केवल पुआल में जन्म लेना, जब धान कट के आ जाएगा घर में और माँ मेरे लिए सौगात भेजेगी कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, और हर महीने कोई कोई त्यौहार है कोई कोई उत्सव है मुझे उसमें भागीदारी करनी है, इसलिए हर एक अलग गीत है अलग धुने हैं। सूर्य चंद्रमा सभी नौ सुख दुख के साथी भी हैं साक्षी भी हैं, और नायक नायिका जब विकट परिस्थिति में पड़ते हैं
लक्ष्य पर पढ़ते हैं जो शर्त रखी जाती है बहुत ही कठिन शर्त होती है उसमें जब जाते हैं वो तो आधी पानी की थैलियाँ खुल जाती हैं जो आश्रय शक्तियाँ हैं लेकिन जब वो देखते हैं कि इसमें संकल्प अधिक है तो फिर वही आश्रय शक्तियाँ उसकी मदद भी करती हैं और ये वृक्ष और पशु सब उसके साथ जुड़ जाते हैं। प्रकृति से जो अनुस्यूत है जीवन उसे अलग किया ही नहीं जा सकता और मनुष्य के रक्त की बूंद गिरने से वृक्ष उगता है इसकी तमाम कहानियाँ हैं। कौरानी कौरा अपनी कहानी में जो छोटे की माता माई मान कुमार जी है तो एक अमोला बन के उगता है खेती का पेड़ बन के उगता है खेती का फूल ले जाकर के राजा के पगड़ी पर उसी पिता की पगड़ी पर जब कौवा डाल देता है तो ढूंढता है जो भी आता है तो अमोला कहता है कि बहन आओ चलो आकाश में उड़ चले राजा के सिपाही आ रहे हैं हम लोग पकड़ने के लेकिन जब कोई नहीं पकड़ पाता तो कौवा हंकने आती है तो कहते हैं कि आओ पाटी मैया कौवा हंकने होना कार पर भूया लसोरा होना और जमीन तो दोनों बिक जाते हैं और पेड़ पकड़ाया जाता है तो उसमें से बेटा और बेटी निकलते हैं। फिर सब लोग कहते हैं कौवा हंकने बच्चे हो ही नहीं सकते तो शर्त रखी जाती है कि उसके बक्ष पर सात तावा लोहे दबाता जाएगा अगर इसके बच्चे होंगे तो दूध की धार उसको फोड़ के निकलेगी ऐसा होता है और लोग स्वीकार करते हैं रानी कौवा हंकने बच्चे हैं। उसी तरह एक भाभी अपने नरक को चूनर उसकी कौवा बीट कर देता है तो उस पर कहती है इसी की खून से रंगी जाएगी तभी मैं उठूँगी दाना पानी करूँगी तो वो पेड़ बनती है जहाँ जो भी ससुराल से आता है कहती है कि ससुर एक नौआ डाल दिन छूया पाँच दिन छूया गाड़ लह रही है पाक लह रही है भैया मारे फौजी मरा है हमरे रखत के तुगरे रंगाम फिर पेड़ काटा जाता है तो कहने लड़की निकलती है। और इसी तरह कई कहानियाँ हैं जिनमें बैल के उसके मूत्र से स्पर्श हो जाने के कारण स्त्री गर्भवती हो जाती है लोग उस पर लांछन लगाते हैं विश्रम रखते हैं कि अगर बछड़ा पैदा होगा तभी ये सब उनकी मानी जाएगी। ये गोकर्ण की कथा जो है उससे जुड़ी हुई कथाएं हैं और जो सत्य परीक्षा होती है उसमें भी ये प्रकृति साक्षी होती है जब सूर्य की सौगंध लेती है तो सूर्य छिप जाते हैं आग की सौगंध लेती है तो उसका तेल पानी हो जाता है गंगा की सौगंध लेती है गगरी सूख जाती है इस तरह उसकी रक्षा प्रकृति बार बार उसके सत्य की रक्षा करती है। और प्रकृति के ने समय के अंतराल को व्यक्त किया है बहुत अच्छी तरह से कि कौने उगलिया सासु निविया लगाए कौने उगलिया गए बेटे स्वामी किस उम्र में वो कहती है कि खेलत कूदत बहुआ निविया लगाए और रेखिया भनत दे जिन्हें पे बेटे नीम का पेड़ लगाया खेले कूदते बोलो ने और मसीह गिरने लगे तो विदेश गया वो कहती है फर गए निविया रहस गए दरिया अब बहुत लौटे परदेश किया इस तरह के बहुत सारे गीत हैं जो समय के अंतराल को व्यक्त करते हैं। और जो कैद में बंदी है उसको मोर जा करके उसकी गाथा सुनाता है उसकी भी रहने की पूरा जब दया आती उसको छोड़ देता है। मैं बहुत सारी बातें हैं लेकिन अब मैं और कुछ नहीं करना चाहूँगी। एक गीत और है जो मैं उदाहरण देना चाहूँगी रानी रुक्मणी जमुना में झूला झूल रही है हिरोले पर और उसी बीच चकई अपने चतुरे को ढूंढ रही है तो रानी का हार गिर जाता है वो तो कहती है चकई मेरा हार जमुना जल से पी लिया चुन लिया कहती है अलिया लगाओ रानी हरवा बजर पर मोतिया रानी सजमे से बिछुरा चकौवा हेरत नहीं मेरा तो चकवा भी छुट गया है शाम से उसे नहीं पा रहे तुम्हें अपने हार की पड़ी ये जो संवेदना है ये लोग आज तक सुरक्षित रखे हुए हैं और ये संवेदना पाने के लिए हमें अपनी लोक संस्कृति से बराबर जुड़े रहना है। आप लोगों ने इतना देर मुझे सुना मैं कोई विद्वान नहीं हूँ केवल संस्कृति का देता हूँ और इस तरह के उपक्रम साहित्य अकादमी करती रहे शायद आज बहुत बड़ी जरूरत है ये विषय बहुत ही प्रासंगिक है इस पर आज इतने लोगों ने चर्चा की मैं बहुत बहुत आभार आप सबके प्रणाम विद्याबिंदु सिंह जी आप सबने लोक साहित्य से शास्त्र तक और शास्त्र से समकालीन साहित्य तक प्रकृति और साहित्य के निरंतर संबंध को आज नए सिरे से देखा होगा और मुझे विश्वास है कि हम सबको कुछ न कुछ इन विद्वानों के
अनुकूल व्याख्यान से, महत्वपूर्ण व्याख्यान से कुछ ना कुछ जरूर लाभ हुआ, नया एक नई जागृति, एक नई जागरूकता और एक नई संवेदना के साथ हम शायद प्रकृति को देख पाएंगे। एक ऐसी महत्वपूर्ण दृष्टि इन विद्वानों ने हमें दी है। मैं इस सत्र के सभी आदरणीय वक्ताओं डॉक्टर पूरन टंडन जी, डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी जी, डॉक्टर सादिक जी, अशोक कुमार ज्योति जी और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय रमाकांत शुक्ल जी, बीज वक्तव्य देने वाले डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी जी और सत्र के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विद्यापुर सिंह जी का पुनः साहित्य अकादमी की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आप सभी का, आप सबने बड़े ही धैर्य के साथ इस पूरे ही कार्यक्रम में हमारा साथ दिया। आप सभी अब चाय पर आमंत्रित हैं। इससे पहले मैं एक छोटी सी सूचना दे दूं, 21 सितंबर को शाम 4 बजे ये राहुल सांकृत्यायन का योगदान, इस विषय पर हमने एक परिसंवाद आयोजित किया है। राहुल सांकृत्यायन का ये 125वां जन्मवर्ष है, इस अवसर पर हम ये परिसंवाद आयोजित कर रहे हैं। और 26 सितंबर को शुभ पूजन सहाय के 125वें जन्मवर्ष पर हम एक परिसंवाद आयोजित कर रहे हैं, हिंदी नवजागरण और शिव पूजन सहाय, ये 26 सितंबर को शाम 4 बजे। आप सबसे निवेदन होगा कि आप उसमें भी बताएं। आप सभी अब चाय पर बैठे।